आप सभी का स्वागत है क्लासेस के के आज हमारे हुआ है, उसी को हम आज और कैसे उसे अप्रोच किया जा सकता है कैसे उसकी उसकी प्रिपरेशन की जा सकती है तो इस सेशन इस में हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बट डेफिनेटली हम समझने की कोशिश करेंगे क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं uh, है? अप्रोच क्या होनी चाहिए राइट right? एग्जाम्पल्स uh, का महत्व देखेंगे कहाँ कहाँ से एग्जाम्पल्स उठाए जा सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं राइट सिलेबस में कौन सा पार्ट जो है कौन सा पार्ट ट्रेंडिंग में है टॉपिक्स वो सारी चीजें देखेंगे राइट सो दो हजार का पेपर एज यू नो दो सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर वन जो है थियोरटिकल होता है पेपर टू जो है के स्टडी बेस होता है तो इस साल का पेपर जो है अगर हम देखें तो जो थियोरटिकल पार्ट है यानी जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइनर टू लाइनर क्वेश्चन वहाँ पे भी आप देखोगे थियोरी स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे लेते रहते एप्लीकेशन ओरिएटेड रहा है केस स्टडी तो एप्लीकेशन ओरिएटेड ही रहता है बट जो आपका थियोरी uh, का पार्ट है उसमें भी आपको एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस पूछे गए तो ऑफकोर्स टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है अगर आप थ्योरी के क्वेश्चंस पूछे तो अगर स्पेसिफिकली आपके टॉपिक से रिलेटेड देन इट इज़ इजी आप उसको बहुत इजीली कवर कर सकते बिकॉज इट्स ऑल अबाउट रिमेंबरेंस एंड योर स्पीड ऑफ राइटिंग राइट बट एप्लीकेशन ओरिएटेड होता है तो आपको थोड़ा सा ऑन दी रन ब्रेन भी करना पड़ता है तो डेफिनेटली उससे ज्यादा टाइम जाता है तो ऑलवेज uh, एथिक्स के पेपर में यही इश्यू रहता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम राइट तो इस साल का भी पेपर ऐसा ही कुछ था कि स्टडीज में भी अगर देखें तो दो तीन की स्टडी शुरुआत के बहुत लेंदी थे बाकी के काफी हद तक डूएबल थे छोटे थे राइट सो लेट अस लुक इनटू द पेपर ना तो हमने इसको डिवाइड किया है इनटू थीम्स सब थीम्स एंड डिफिकल्टी लेवल राइट पहला क्वेश्चन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे था uh, काफ़ी हद तक डूएबल था राइट right? uh, इसके बाद आप देखोगे डायमेंशंस ऑफ एथिक्स के बारे में पूछा गया था स्पेशली प्रोफेशनल कंटेक्स में ये कैसे हेल्पफुल uh, होते हैं सो अगेन क्वाइट डूएबल वाज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट एवरेज था देन वी हैड अ क्वेश्चन ऑन इंटरनेशनल एथिक्स ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था जहाँ पे uh, जो हमारा सेल्फ इंटरेस्ट होता है एज ए इंडिविजुअल नेशन वो कई बार जो है इट लीड्स टू कन्फ्क्ट तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया कि जो सेल्फ इंटरेस्ट में हम वेपन्स की ट्रेडिंग करते हैं स्पेशली डेवलप नेशन उसकी वजह से कंफ्लिट होता है तो इस कंफ्लिक्ट को कैसे जो है रिजोल्व किया जा सकता है एथिकल कंसिडरेशन कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं क्वाइट एवरेज बहुत डिफिकल्ट नहीं था राइट right? फिर बाद में ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन पूछा गया था उसको बेसिकली वे इन करना था विथ अवर सोसाइटल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वाइट डूएबल नॉट वेरी डिफिकल्ट देन वी हैड अ क्वेश्चन ऑन यूज सस्पेक्ट्स हमारे तीन क्वेश्चन थे ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर एक कोट दिया गया है आपको उसको समझाना है

हिस्टोरिकल uh, कंटेक्स में भी आप देखोगे कुछ uh, कुछ जो हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स हुआ करते थे वो आज की डेट में रेलेवेंट नहीं है राइट right? सो so, या फिर उनको अनजस्ट माना जा सकता है सो so, इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं इसको एग्जामिन करना था इस स्टेटमेंट को अगेन मीडियम फॉर सम इट मे मेक सिम डिफिकल्ट बट इफ यू वो अंडरस्टेंड दैट इज रिलेटेड टू एथिकल रिलेटिविज्म इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स देन यू कैन डेफिनेटली अचीव इट इसके बाद एक क्वेश्चन था थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अगर आपको समझ में नहीं आया जहाँ पे जो होता है ना स्पिरिट ऑफ द लॉ एंड लिटरल लॉ राइट तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया था कि हम फॉर्म और सब्सटेंस में अगर सब्सटेंस uh, को महत्व नहीं देते देन इट लीड्स टू इनजस्टिस राइट तो ये क्वेश्चन था थोड़ा डिफिकल्ट था बट क्वाइन कैन बी डूएबल इफ यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली राइट एक्साम्पल्स के साथ इसे डेफिनेटली आप अटेम्प्ट कर सकते हैं फिर कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था Code of conduct है हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स नहीं है तो कैसा एक कोड ऑफ एथिक्स का मॉडल होना चाहिए राइट दैट डिफिकल्ट हो सकता है भारतीय न्याय संहिता के बारे में पूछा गया था कि कैसे इसने जो है शिफ्ट लाया है इन टर्म्स ऑफ हमारा जो अप्रोच है टूवर्ड्स से लॉ कैन वी डू वी सी लॉ एज ऑफ पनिशमेंट और एज अ टूल ऑफ जस्टिस राइट तो कैन बी सेट डिफिकल्ट थोड़ा सा राइट right? अगर आपको उसके बारे में आइडिया नहीं है और आप अगर आप उसे जोड़ नहीं सकते विद विद दिद दी कंटेक्स दैट इज पुट इन दी क्वेश्चन राइट इसके बाद एक और क्वेश्चन था इंडियन कल्चर में ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है कि महिलाओं की संख्या बढ़ रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बट uh, उनके कुछ अपने खुद के चैलेंजेस होते हैं बट चैलेंजेस तो बताने हैं बट एट द सेम टाइम आपको कुछ मेजर्स भी बताने कैसे हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी मेंटन की जा सकती है वाइल्ड डिस्टार्जिंग ड्यूटी उनकी एफिशंसी मेंटेन की जा सकती है राइट मीडियम टू हार्ड डिपेंडिंग ऑन द इफ यूफ अंडरस्टेंड इट प्रॉपरली राइट मिशन कर्मयोगी अगेन लिटिल बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड की आपको पूछा गया है मिशन कर्मयोगी के बारे में आ, कैसे ये जो है एनहेंस कर सकता है प्रोडक्टिविटी एफिशिय डिलीवरिंग सर्विस एट ग्रास रूट लेवल एंड सोन एंड सोपो सो दीज वर लाइक थर्टीन क्वेश्चन आज थ्योरी पहले थ्योरी कवर करते हैं फिर के स्टडी देखेंगे राइट अगर आप देखिए ज़्यादातर कहाँ से आया क्वेश्चन मैंने जो है हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हमारा मॉडल होता है जहाँ पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें काफी हद तक ये बताया भी था कि जो ट्रेंड है हमारा उसको देखना बहुत जरूरी है क्राफ्ट कहा जा रहा है तो अगर हम देखें जो क्वेश्चन है ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर वो हमेशा आप देखोगे कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर इफ यू सी हियर ब्राउन लाइन इट इज ऑलवेज बिन दैट तीन तीन कई बार एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लिया जाए पूछ लिया जाता है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस जो है अगर आप देखे द लाइन फॉर इट इज ग्रीन लाइन ये डिक्लाइन हो रहा है राइट right? तो इस साल भी काफी हद तक कम ही क्वेश्चन पूछे गए दो तीन ही क्वेश्चन पूछे गए राइट उसमें डिक्लाइन दिखा रहा है बट सबसे ज्यादा जो राइज हो रहा है वो आपको दिखाई देता है सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्रोबिटी में प्रोबिटी में इस साल जो है एक दो ही क्वेश्चन पूछे गए बट सिविल सर्विस वैल्यूज एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यूस आपको राइज दिखाई दे रहा है राइट यू कैन सी दिस ग्रीन अभी तो इस बार तो बहुत ज्यादा ग्रीन लाइन्स uh, आपको दिखाई दी थी राइट सो अराउंड फाइव टू सिक्स क्वेश्चन इसी पर्टिकुलर टॉपिक से है सो so ये एनालाइज करना बहुत जरूरी है और इसको हम एनालाइज करते हैं हमारे लेक्चर्स में पी वाई क्यू मॉड्यूल में क्रैश कोर्स में इवन हमारे जो रेगुलर कोर्स है उसमें भी हम एनालाइज करके बताते हैं कि ट्रेंड क्या है और ट्रेंड के हिसाब से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो डेफिनेटली ये हेल्प करेगा तो अगर आप देखें हमारे जो थीम्स है उसमें जो शुरुआत के जो तीन चार थीम्स है राइट एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस एटीट्यूड एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज राइट सो एंड सोपो और जो लेटर थीम्स है जैसे कन्फ्लिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोपर्टी इसके अलावा जो हमारा सिविल सर्विस वैल्यूज एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन तो जो लेटर थीम्स है ना उसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थीम्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कंटिन्यू हो रहा है ट्रेंड हमारा यहाँ पे भी राइट सो दिस एनालिसिस यू हैव टू डू बिफोर हैंड राइट तो नेक्स्ट ईयर भी आप इस तरह से प्रिपेयर रह सकते हैं अब एक एक करके क्वेश्चन को देख लेते हैं पहला क्वेश्चन था एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इनपुट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग इज डिबेटेबल इशू क्रिटिकली एग्जामिन द स्टेटमेंट फ्रॉम एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये पूछा गया है कि जो हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं राइट एडमिनिस्ट्रेशन सो so, जब डिसीजन मेकिंग करते हैं तो ए का जब इस्तेमाल करते हैं राइट right? या ए के इनपुट्स का इस्तेमाल करते हैं देन इट इज़ रिस्की इन अ सेंस दैर इज अ डिबेट अराउंड यूज़ ऑफ ए राइट हर एक फील्ड में है मेडिकल फील्ड uh, में है एजुकेशन में है सो so है so तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी इसका प्रोज एंड कॉन्स है राइट right? तो वही आपको पूछा गया है आपने भी प्रोज एंड कॉन्स ही बताने हैं ए के इन दी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन मेकिंग राइट तो इंट्रोडक्शन में आप ब्रीफली डिफाइन कर सकते हैं ए आई इन डिसीजन मेकिंग वॉट डू मीन बाइट कैसे ये एक डिबिटेबल इशू है फिर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बता सकते हैं कैसे वो एफिशिएंसी, डेटा टिवे ऑब्जेक्टिंग सो लाता है एथिकल कंसर्न्स बता सकते हैं लाइक बायस इन एआई, इसमें उदाहरण दे सकते हैं आप जैसे आप यहाँ का उदाहरण दे सकते हैं यूएस में जहाँ पे रेशियल प्रोफाइलिंग होती है राइट right? तो आप देखोगे रेशियल प्रोफाइलिंग में आप देखोगे की जो हमारे औजार है या फिर जो भी टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं टू कीप रिकॉर्ड टू ट्रैक वहाँ पे आप देखोगे जो ब्लैक फोक्स है दे आर टारगेटेड मोर राइट इवन उनके जो कोर्ट uh, सिस्टम है वहाँ पे परोल दिया जाता है uh, uh, जो हमारे uh, कैदी होते हैं जो जिनकी बिहेवियर थोड़ी अच्छी हो जाती है उनको छोड़ दिया जाता है टू इन दब्लिक राइट फॉर सम टाइम कुछ टाइम के लिए उनको इंटीग्रेट करने दिया जाता है वहाँ पर भी ये देखा गया कि जो ए uh, आई टूल्स इस्तेमाल किया टू मेक दैट डिसीजन राइट दैट ए आई टूल इज अगेंस्ट skewed towards the interest of white people than black people. India में भी ये चीज हो सकती है अगर हम हम अगर हम देखें हमारे यहाँ पे habitual offender acts है यहाँ पे tribal लोगों को जो है एक तरीके से deviant माना गया है delinquent माना गया और यही अगर information AI tools में हम feed करते हैं तो probably जो tribals है especially जो nomadic tribes है या फिर जो एक जगह स्थिर नहीं रहते they may have to face the cost of it, right?

सारे एस्पेक्ट से आप बता सकते हैं कि कैसे इसके प्रोज है कौन से इसका इम्पैक्ट है ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये बता सकते हैं जैसे लोगों का ट्रस्ट पहले ही आप देखोगे हम एक रिस्क सोसाइटी में रह रहे वी डोंट ट्रस्ट एनीथिंग राइट सो बहुत ही स्केप्टिकल हो गए और भी ज़्यादा स्केप्टिकल हो सकते हैं और जो कि गवर्नेंस के लिए अच्छा नहीं है राइट आप कंक्लूजन में एक बैलेंस व्यू रखना है ऐसा नहीं है कि आपने उसको अगर फर्स्ट पार्ट में अच्छा माना है सेकंड पार्ट में बुरा माना है तो एंड में आप uh, जो है वो बुरे से आपको क्लोज करना नहीं हमको बैलेंस व्यू रखना है ए की जरूरत है हर जगह पर जरूरत है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी जरूरत है बट हाँ एथिकल ए की बात करेंगे फिर हम जोड़ के देखेंगे कि एथिकल ए अगर हम इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं राइट यानी ए में हम एथिकल प्रिंसिपल्स को इंक्लूड करें इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग जो ए आई बनते हैं राइट uh, जो भी मॉडल्स बनते हैं उसमें एथिकल प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया जाए देन डेफिनेटली इट विल हेल्प अस इवन इन इंश्योरिंग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिस राइट बहुत ही सिंपल रखना है बहुत डिफिकल्ट नहीं था एथिक्स के ए के ऊपर कई सारे हमने हमारे जो क्रैश कोर्स है या फिर इवन हमारे करंट अफेयर्स में कई सारे जो है टॉपिक्स डिस्कस करे हैं बहुत डिटेल में इन इन वेरियस फील्ड राइट मोटा मोटी जो प्रिंसिपल्स है वो वही होते हैं आपको बस अप्लाई करना होता है आपके क्वेश्चन की डिमांड के ऊपर राइट सो कई सारे क्वेश्चन जो है हमने ए से रिलेटेड टॉपिक्स या करंट अफेयर्स डिस्कस किए हैं आर्टिकल्स डिस्कस किए तो इट वॉज क्वाइट ईजी टू डू इट राइट इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था एथिक

एथिक्स हैज सेवरल की डायमेंशन दैट आर क्रूशियल इन गाइडिंग इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन यानी पे नॉर्म सेट करने की स्टैंडर्ड सेट करने की बात की है तो नॉर्मेटिव एथिक्स में जो अलग अलग एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनके हवाले से आप बता सकते हैं कैसे ये है हमें गाइड कर सकते हैं इन अवर एक्शन एंड डिसीजन मेकिंग तो ब्रीफली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एथिक्स है क्या उसके अलग अलग डायमेंशन क्या है फिर इन डायमेंशन को आप डिस्कस करते कर सकते हैं बारी बारी जैसे इंटीग्रिटी अकाउंटेबिलिटी फेयरनेस ट्रांसपेरेंसी राइट रिस्पेक्ट फॉर राइट्स हो एंड सोफोथ राइट ये कैसे हमें हेल्प करते हैं इन डिसीजन मेकिंग इन प्रोफेशनल कंटेक्स एग्जाम्पल्स देना बहुत जरूरी है राइट right? तो उसका इम्पैक्ट क्या है इन प्रोफेशनल कंटेक्स डिसीजन मेकिंग वो भी आप बता सकते हैं कंक्लूड कर सकते हैं बाय सेइंग दैट अगर हम इन्हें जो है एम्फोसाइज कर सकते हैं कंक्लूजन में कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इन इन प्रिंसिपल्स का एंड इन डायमेंशन का अगर हमें रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर चाहिए इन बोथ इन इंडिविजुअल कंटेक्स एज वेल एज इन प्रोफेशनल कंटेक्ट राइट तो यहाँ पे आप एक और अप्रोच इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम डायमेंशन की बात करें तो ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट तो है अप्रोचेस की भी बात कर सकते हैं right? राइट हम अप्रोचेस के बारे में भी पढ़ते हैं राइट कॉमन गुड अप्रोच राइट बेस्ड अप्रोच जस्टिस अप्रोच फेयरनेस अप्रोच राइट यूटिलिटेरियन अप्रोच तो ये भी तो डायमेंशन ही है डायमेंशन यानी परस्पेक्टिव होते हैं राइट तो, right? तो इन परस्पेक्टिव के हवाले से भी आप बता सकते हैं कि हम अपने एक्शन और डिसीजन को कैसे गाइड uh, करते हैं या हमारे एक्शन और डिसीजन कैसे गाइड होते हैं बाय यूजिंग दिस डिमेंशन ऑफ एथिक्स और एथिकल प्रिंसिपल सिंपल रखना है बहुत डिफिकल्ट नहीं करना है काफी हद तक आसान था क्वेश्चन राइट सेकेंड क्वेश्चन है या थर्ड थर्ड क्वेश्चन सेकेंड ये क्वेश्चन है ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है यहाँ पे सबसे पहले आपको एक uh, 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 जो है कोड दिया गया है इट इज नॉट इनफ टू टॉक अबाउट पीस वन मस्ट बिलीव इन इट इट इज नॉट इनफ टू बिलीव इन इट वन मस्ट एक्सेप्ट एक्ट अपॉन यानी बस आपको जो है पीस uh, जो है इसके ऊपर बात नहीं करनी है यू शुड एक्चुअली बिलीव पीस जरूरी है सिर्फ ये बिलीव नहीं करना है बट आपको एक्शन में भी लाना है और ये भी बताया गया प्रेजेंट कंटेक्स में वेपन इंडस्ट्रीज जो है डेवलप नेशन है स्पेशली वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए वेपन्स बेच रही है अक्रॉस द वर्ल्ड बट इट इज़ लीडिंग टू एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज जैसे कि कन्फ्लिक्ट राइट और यहाँ पूछा गया क्या एथिकल कंसिड्रेशन ज़रूरी है आज की डेट में जो इंटरनेशनल एरिया में कन्फ्लिक्ट हो रहा है राइट उसको रोका जाए उसके लिए क्या एथिकल कंसिड्रेशन जरूरी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगेन द सेम थिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज अ गाइड बुक फॉर यू आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट ब्रेन स्ट्रॉम भी करे नॉट सॉल्विंग ऑल द क्वेश्चन बट एटलीस्ट लुक एट लुक एट इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड तो भी ये आपको हेल्प करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक था जिसको हमने हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैच में जो है उसको डिस्कस भी करा था अगर आप देखो याद करो इंटरनेशनल लेवल पे और पायलट रिलेशन में जो है ज़्यादातर नेशन अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं बट इसकी वजह से टेंशन बढ़ता है तो कैसे जो है एथिकल कंसिडरेशन इन टेंशन को रिजोल्व कर सकता है राइट यही क्वेश्चन जो है फिर से एक बार थोड़ा सा डिफरेंट रूप में आपको पूछा गया है तो जो जो चीजें हमने वहाँ पे डिस्कस करी वो चीज यहाँ पे भी लागू होती है राइट तो यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हैं जो डिलेमा है स्पेशली डेवलप नेशन के अंदर और इवन अंडर डेवलप या फिर डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया आज के डेट में हम भी एक्सपोर्ट करें राइट हम वेपन uh, एक्सपोर्ट uh, कर रहे हैं इसराइल को और उसके लिए हमें बैकलैश भी फेस करना पड़ रहा है इंटरनेशनल लोग इनसे राइट बट देर इज अ डेलेमा की अगर हमें स्ट्रें स्ट्रॉन्ग बनना है एज अ एज अ नेशन राइट सिक्योर बनना है देन वेपन इंडस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री राइट बट एट द सेम टाइम वाईल डूइंग ट्रेड देर आर समल कंसिडरेशन दैट है यही चीज पूछा गया कैसे हमारे जो एक्शन है उसे वॉर और ज्यादा ना बढ़े रैदर उसको हम कहीं ना कहीं वॉर को रोकने की कोशिश करें तो क्या मेजर्स हैं जो कि हमें या फिर एथिकल डिमेंशन है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए वेन वी आर एक्टिंग इन आवर सेल्फ इंटरेस्ट तो आप यहाँ पे जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं इन इंटरनेशनल एथिक्स उसके हवाले से भी आंसर बना सकते हैं जैसे एक प्रिंसिपल है रियलिज्म का राइट रियलिज्म में हम कहते हैं पावर इज सबसे इंपॉर्टेंट है बाकी सारी चीजें जो है वो सेकेंडरी uh, है तो यहाँ पे आप बता सकते हैं कि कैसे ये फ्यूटाइल है इस प्रिंसिपल को हमें अपहोल्ड नहीं करना चाहिए क्रिटिसिज्म के से आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं देन यू कैन टॉक अबाउट अदर प्रिंसिपल जैसे आइडियलिज्म जहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमारे कुछ कॉमन गोल्स हैं एज एज अ वर्ल्ड और उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो जो कन्फ्लिक्टिंग पॉइंट्स है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे राइट तो एक कॉमन गोल है कि एलिमिनेशन ऑफ वॉर इस पर हम फोकस करेंगे तो हमारे जो एक्शन हैं हमारे पॉलिसीज हैं वो उसी डिरशन में होंगे राइट इसके अलावा आप यहाँ पे कॉस्मोपोलिटनिज्म की बात कर सकते हैं या फिर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात कर सकते हैं जहाँ पे हम डिप्लोमेसी के द्वारा जो है पीस बिल्डिंग एफर्ट्स को लीड कर सकते हैं या फिर आ, आप इक्वालिटी ऑफ लाइफ प्रिंसिपल की बात कर सकते हैं कई सारी प्रिंसिपल्स हैं जो कि बहुत जरूरी है इफ़ वी वॉन्ट टू हैव सस्टेनेबल पीस उसके हवाले से अगर आप आंसर लिखते हैं तो डेफिनेटली ये आपके लिए आ, आपके लिए ईजी होगा एक फ्रेमवर्क है हमारे पास क्यों ना उसी का इस्तेमाल करें राइट right? उसी को हम इस्तेमाल करें बार बार डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ दैट वी वी दैट अकर्स इन द क्वेश्चन राइट तो उसके हवाले से आप इसको

जो है ख़िलाफ़ ना किया जाए किसी वीक नेशन के खिलाफ ना किया जाए या फिर अपने ही कंट्री के लोगों के खिलाफ ना किया जाए इस तरह के अगर हम मेजर्स इंश्योर करते हैं या फिर इस तरह की पॉलिसी हम बनाते हैं तो डेफ़िनेटली हमें हेल्प कर सकता है राइट तो बहुत ही सिंपल है बहुत डिफ़िकल्ट था नहीं ये क्वेश्चन अगर हम इसे पहले ही अगर हम इसके ऊपर कोई थोड़ा बहुत काम किया हो अगर ब्रेन किया हो तो डेफ़िनेटली इसके आंसर्स बनाना कोई डिफिकल्ट बात नहीं राइट तो डेफिनेटली इस तरह के जो हमारे इनिशिएटिव है वो हेल्प करते इस इस अप्रोच में राइट नेक्स्ट क्वेश्चन था वो एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में आप देखोगे हर हर साल या हर दो साल में एक क्वेश्चन आता है कि एनवायरमेंट और डेवलपमेंट यू हैव टू चूज बिटवीन इट राइट और यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस यहां पे पूछा गया ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज आर द आउटकम ऑफ ह्यूमन ग्रीड इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन इन विच एक्सटिंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन बीस इज हेडिंग टू लॉस ऑफ लाइफ ऑफ अर्थ हाउ डू यू पुट एन एंड टू दिस प्रोटेक्ट लाइफ एंड ब्रिंग इक्विलिब्रियम बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट राइट तो यहाँ पे बताया गया कि क्लाइमेट चेंज और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से पीपल आर डाइंग एनिमल्स आर डाइंग ऑर्गेनिज्म आर गोइंग एक्सटिंक यहाँ पे सुमता राइनो वगैरह इनकी भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं वाई इनिशिएटिंग द आंसर यानी इंट्रोडक्शन में राइट तो आ, ऐसे में पूछा गया कि हमें क्या करना चाहिए जिससे हम इसको रोक पाए और इक्विलिब्रियम भी हम सेटअप कर पाए बिटवीन सोसाइटी एंड एनवायरमेंट राइट तो कहीं ना कहीं हमारे जो सोसाइटल डेवलपमेंट के जो भी पैरामीटर्स हैं और जो इन्वायरमेंट के पैरामीटर है सस्टेनेबिलिटी के पर्स्पेक्टिव में राइट right? उसमें कैसे बैलेंस स्ट्राइक किया जाए इसके बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे आप जो है बताएंगे कि कैसे इसे इंश्योर किया जा सकते हो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर सकते हैं जहाँ पे हम कहेंगे हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम प्रिजर्व करें इन्वायरमेंट को नॉट ओनली फॉर आर सेल्फ बट ऑल्सो आर फ्यूचर जनरेशन राइट फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं कैसे हम जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं रिनीबल एनर्जी रिस्पॉसिबल इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस का जिससे इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हो पॉलिसी लेवल पे बात करेंगे कि गवर्नमेंट ने किन पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए हमारे जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट उसको कैसे हमने जो है स्ट्रेंदन करना चाहिए और उसको एडहेर करना चाहिए इनके बारे में आप बता सकते हैं और जब भी आप ऐसे क्वेश्चन जो बड़े बड़े जो ग्लोबल प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है स्पेशली एन्वायरमेंट से रिलेटेड उसमें आप इंडिविजुअल एक्शन की भी बात करेंगे राइट right? गवर्नमेंट की तो बात करेंगे बट आप अपने एंड से क्या करेंगे वो भी आपको कहीं ना कहीं लिखना पड़ेगा तो आप यहाँ बताएंगे कि हम हमारे जो चॉइसेस है इन टर्म्स ऑफ बाइंग प्रोडक्ट्स वो लिमिट करेंगे या फिर वो बहुत ही कॉशियस होंगे जिससे कार्बन फुटप्रिंट ना बने जो भी हम बनाते हैं जो भी हम परचेस करते हैं वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर कही होता है जहां पे भी मैन्युफैक्चर होता है उससे कार्बन एमिट होता है राइट तो वो प्रोडक्ट्स लेंगे जो कम से कम कार्बन एमिट करते हुए बनाए गए हैं या फिर हम अपने जो नीड्स है उसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करेंगे कंज्यूमरिज्म कम करेंगे जिससे कार्बन uh, फुटप्रिंट ना बढ़े कंक्लूजन में आप बताएंगे कि ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक व्यक्ति नहीं सॉल्व कर सकता बट जो बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़बड़ता है तो वो भी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम कलेक्टिव एक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है तो कलेक्टिव एक्शन के ऊपर आप फिर से रिमफोसाइज करके इसको कंक्लूड कर सकते हैं क्वाइट ठीक ठाक क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आया क्यों अगर आप देखें तो रिसेंटली कोप ट्वेंटी एट हुआ था राइट यूएन सीसी का यू में हुआ था इंडिया में वहां पे उस uh, uh, अपना पक्ष भी रखा हम हमने कहा हम इक्विटी पे बात करेंगे राइट right, इक्विटी के बारे में बात करेंगे राइट या उसको एम्फोसाइज किया हमने एट द सेम टाइम अगर आप देखिए कि एक एक ऑर्गेनाइजेशन है बिग पोल्यूटर्स इन्होंने एक बेसिकली जो बड़े बड़े पोल्यूटर्स होते हैं इनके ऊपर ये रिपोर्ट निकालती है तो इन्होंने ये कहा है कि जो कॉप ट्वेंटी था राइट right, वहाँ पे अगर आप देखो जो पार्टिसिपेंट थे गवर्नमेंट होते हैं प्राइवेट वाले लोग भी होते हैं राइट इंडस्ट्रियलिस्ट भी होते हैं ट्राइबल्स कई तरह के लोग इन इन बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस को अटेंड करते हैं जिनके इंटरेस्ट जुड़े हुए होते हैं राइट तो इन्होंने कहा कि लगभग 2000 से ज़्यादा फॉसिल फ्यूल लॉबिस्ट जो लॉबी करते हैं वो लोग प्रेजेंट थे और जो इंडिजिनस कम्युनिटी है उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में ये लोग थे तो ये दिखाता है कि जो ग्रीड की बात की गई है राइट क्वेश्चन में ग्रीड की बात की गई कि ग्रीड जो है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट अब कॉन्फ्रेंस किसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहां पे ज्यादा लोग कौन है लॉबिस्ट लोग जो कि फ्यूल इंडस्ट्री से जुड़े तो इसको आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे जो इंपॉर्टेंट जो करंट इवेंट्स है ना इस इस करंट इवेंट से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो एक प्रिमाइज सेट करेंगे कि ये हो रहा है आज की डेट में राइट कि जो इंडिजीनियस लोग हैं जो ज़्यादा वनरेबल है टू क्लाइमेट चेंज उनकी जगह पे ऐसे लोग जाके बैठ रहे हैं और डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं जो कि एक्चुअल में एन्वायरमेंट के जो है पक्ष में नहीं है रैदर एन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं है रेदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कार्बन uh, एमिशन के पक्ष में हमें ज़्यादा दिखाई देते राइट सो इससे अगर आप स्टार्ट करेंगे इस तरह एक एग्जाम्पल uh, 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 से डेफिनेटली इट और आप इसको आपके बॉडी में भी आप लिख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं कि इंट्रोडक्शन उसी से करना है राइट तो दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू दी करंट अफेयर्स एंड यू ट्राई टू लिंक इट विद एथिक्स एज अ सिलेबस राइट हमने क्लाइमेट चेंज पे अगर आप देखो हमारे जो टेस्ट होते हैं उसमें भी कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं अब हालांकि जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं वैसे के वैसे क्वेश्चंस तो एग्ज़ाम में आएंगे स्पेशली एथिक्स के एग्जाम में इट्स अ क्वाइट रेयरिटी राइट बट स्टिल अगर हमने ऐसे क्वेश्चन डील भी किए तो एटलीस्ट हमारे पास थोड़ा बहुत फॉर्डर मटेरियल है जिसका हम इस्तेमाल फ्लेक्जिबिल कर सकते तो दो क्वेश्चन हमने क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट uh, जस्टिस पे इस, इस साल पूछे थे और उस थीम पे क्वेश्चन आ गए राइट बट नॉट नेसेसरली कि वैसे के वैसे क्वेश्चन आए किस कोई भी ये गारंटी नहीं दे सकता है हम जो क्वेश्चन डालते हैं वही आएंगे डेफिनेटली अगर आप उसके अराउंड थोड़ा बहुत प्ले कर लेते हैं कर लेते हैं तो डेफिनेटली इट विल है अब जो यूजुअल सस्पेक्ट तीन क्वेश्चन हमेशा आते हैं कई बार तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं कोटेशन है कोटेशन uh, दिया गया है और आपको बताया गया व्हाट दिस कोटेशन कन्वे टू यू आप क्या समझ पाते हो इससे इन प्रेजेंट कंटेक्स तो पहला कोटेशन है लर्निंग एवरीथिंग दैट इज गुड फ्रॉम अदर्स बट ब्रिंग इट इन इन योर ओन वे एब्जॉर्ब इट डू नॉट बिकम अदर्स स्वामी विवेकानंद स्वामी विवेकानंद तो जो है उन्होंने कोट दिया है तो आपको पूछा गया है कि आप क्या समझ पाते हो इससे इन प्रेजेंट कंटेक्स राइट तो प्रेजेंट कंटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट तो यहाँ आप अपनी इंटरप्रिटेशन भी देंगे बट ये कैसे रेलेवेंट है या ये अप्लाई होता है आज की डेट में ये कोट वो भी बताना है आपको राइट right? तो इंट्रोडक्शन आप ऐस, इस तरह के क्वेश्चन का बहुत ही सिंपली कर सकते हैं विवेकानंद के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं राइट right? अगर थिंकर के बारे में आपको पता नहीं दैट्स ओके okay. आप इवन जो कोट है उसको सिंप्लीफाई अपने शब्दों में कर दीजिए इंट्रोडक्शन राइट दैट विल फिर बाद में बॉडी में थोड़ा डीपली उसको इंटरप्रेट करें इसका अर्थ क्या है इस पोर्ट का? तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे बताया गया कि जो अच्छे आइडियाज होते हैं ना वो सारे दिशा से आने चाहिए और आप उसे एब्जॉर्ब करें बट एट द सेम टाइम आप कॉपी ना करें उन लोगों को जिनको आप देख रहे जिनसे इंस्पायर हो रहे रैदर आप क्या करें कि आप अपना एक खुद का टेक ले उन उन चीजों पे जो आप बाहर से ले रहे हैं और फिर उसको उस तरह से एक्सेप्ट करें ताकि आपकी पर्सनैलिटी यूनिक बनी रहे राइट सो एब्जॉर्ब गुड आइडियाज फ्रॉम अदर्स बट एडेप देन यूनिकली टू प्रिजर्व योर पर्सनल आइडेंटिटी पर्सनल आइडेंटिटी की बात हुई तो जब भी ऐसे कोट होते हैं ना तो आप एग्जाम्पल से जोड़ के देखिए एग्जाम्पल अगर आपने इंट्रोडक्शन में उस थिंकर को थोड़ा बहुत जो है इंट्रोड्यूस कर दिया या सिंप्लीफाई कर दिया कोट को इंटरप्रिटेशन बता दिया अगर आप एग्जाम्पल से जोड़ेंगे ना उसका ज्यादा इंपैक्ट है आपको एथिक्स के पेपर में जो भी क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट तीन एग्जाम्पल्स तो डेफिनेटली कोट करने हर एक आंसर में तो एग्जाम्पल है गांधी जी का गांधी जी ने उनके जो भी प्रिंसिपल्स है राइट सत्याग्रह और जो भी प्रिंसिपल्स है पैसिव रेजिस्टेंस एंड एंड सो रेजिस्टेंसेंसो ये उन्होंने कई जगहों से जो है वो उन्होंने वो इंस्पायर हुए जैसे आप बात कर सकते हैं टोल की थोरो की जैन एथिक्स बुद्धिस्ट एथिक्स हिंदू एथिक्स इन सभी चीज़ों से उन्होंने Uh, अपने एथिकल प्रिंसिपल को बनाया बट ही हैज़ बीन अ यूनिक इन इट्स सेंस राइट उन्होंने तो वैसे के वैसे कॉपी नहीं किया प्रेजेंट कंटेक्स में जिस कंटेक्स में वो है उसके हिसाब से उसका इस्तेमाल किया है और उसको आत्मसात किया है right? राइट तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल बनता है कि कैसे या इवन स्वामी विवेकानंद के हवाले से आप इसको जोड़ सकते हैं जरूरी नहीं कि आपने कोई और थिंकर लिखना है स्वामी विवेकानंद की लाइफ में कैसे उन्होंने कई सारी चीज़ों को देखा समझा और आत्मसात किया और अपनी यूनिक पर्सनलिटी बना के रखी वो भी आप बता सकते हैं राइट नॉट नेसेसरी कोई और थिंकर ही हो या फिर और व्यक्ति हो बट अगर आपको पता नहीं है उस थिंकर के बारे में स्वामी विवेकानंद के पर्सनल अचीवमेंट्स के बारे में या उनके लाइफ के बारे में डेफिनेटली गो ऑन एंड टॉक अबाउट अदर पर्सन आल्सो हु इज एम्बॉडिंग दिस पर्टिकुलर कोट राइट एप्लीकेशन बताए प्रेजेंट कंटेस्ट में आज की डेट में जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड राइट right? एक वर्ल्ड कम्युनिटी बन गई है अब सब एक जैसे ही लगते हैं राइट right? एक तरह के कपड़े पहनते एक तरह की खान पान है एक तरह का ही रहन सहने एक तरह का ही वे ऑफ लाइव लिविंग है राइट तो यूनिकनेस नहीं रही सोशल मीडिया के कारण तो और भी ज़्यादा बढ़ गया राइट right? तो यहाँ पे आप इस इन चीज़ों से जोड़ सकते हैं और अगर आप यूनिक रहते तो उससे क्या फ़ायदा है उससे इनोवेशन क्रिएटिविटी सेल्फ ग्रोथ ये सारी चीज़ें होती है राइट सिंपल रखना है बहुत डिफिकल्ट नहीं करना है अगर ये टेम्पलेट भी अगर आप याद रख ले थिंकर के बारे में आप बताएं अगर नहीं पता तो सिंप्लीफाई कर दे इंटरप्रेट करे कोर्ट को जो है ब्रेक करे और उसकी अंडरस्टैंडिंग बताएँ कोई एक एग्जाम्पल बता दीजिए जहाँ पे वो कोर्ट सूटेबल है कोई व्यक्ति ना हो कोई इवेंट हो कोई एक्टिविटी हो उससे भी आप जोड़ के देख सकते हैं राइट फिर एप्लीकेशन बताएँ एप्लीकेशन में हमारे जो रोजमर्रा की जिंदगी की चीज़ें हैं राइट उससे जोड़ के देखें उससे जोड़ के आंसर पाना कंक्लूजन में आप फिर से बताएंगे कि हमें बैलेंस मेंटेन करना है राइट डेफिनेटली यू हैव टू बी ओपन यू कैनॉट बी नैरो राइट आप कोए के मेंढक नहीं हो सकते बट एट द सेम टाइम अपनी यूनिकनेस मेंटेन करनी है जिसकी ज़रूरत है राइट फिर बाद में एक और क्वेश्चन था इसी बेसिस पे कि एक कोड दिया है और एक थिंकर दिया है और आपको बताना है इन प्रेजेंट कंटेक्स राइट फेथ इज नो अवेल इन एबसेंस ऑफ स्ट्रेंथ फेथ एंड स्ट्रेंथ बोथ आर एजेंशियल टू अकम्प्लेश एनी ग्रेट वर्क पूछा गया है या बताया गया है कि फेथ और स्ट्रेंथ ये कॉम्प्लीमेंट्री है ऐसा कहा जा रहा है कि अगर फेथ है स्ट्रेंथ नहीं है या स्ट्रेंथ है फेथ नहीं है तो आप कोई भी टास्क अचीव नहीं कर सकते या ग्रेट वर्क अचीव नहीं सरदार पटेल जी कह रहे हैं अगेन यू कैन स्टार्ट विद सरदार पटेल जी उनको इंट्रोड्यूस कर दीजिए या फिर सिंपलीफाई कर दीजिए कोर्ट को राइट फिर इसके बाद डीपर इंटरप्रिटेशन बताया इस कोर्ट का तो फेथ यानी वो फेत नहीं है कि धर्म वाला फेथ यहाँ पे फेथ का अर्थ ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है ऐसा नहीं कि वो नहीं हो सकता बट यहाँ पे सरदार पटेल जी कह रहे हैं वो मॉरल कन्विक्शन या कन्विक्शन की बात कर रहे हैं आपके बिलीफ के बारे में बात करें यू हैव टू बिलीव इन थिंग्स राइट बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू बी स्ट्रॉन्ग टू

शी वॉज शॉर्ट इन दी हेड बाय तालिबानी इन पाकिस्तान वाई बिकॉज शी वॉज गोइंग एंड टीचिंग यंग चिल्ड्रेन विमेन गर्ल्स राइट सो उनका कन्विक्शन था इन वॉट एजुकेशन फॉर गर्ल्स और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एंड फॉर दैट शी शोड द मॉरल स्ट्रेंथ एंड शी फेस्ड इवन डेथ इन्सेंस राइट तो इस तरह आप अगर उसको जोड़ के देख सकते हैं या कोई और व्यक्ति भी हो जो आपको पता है आपके जरूर नहीं बाहर की कंट्री का हमारी कंट्री में भी कई सारे लोग हैं हिस्टोरिकल व्यक्ति हो सकते हैं राइट इवन आप इसे माइथोलॉजी से भी जोड़ के देख सकते हैं राइट सो एनीथिंग दैट विल हेल्प टू एग्जाम्प्लीफाई कोट और वॉट एम्बॉडीज द कोट इसके बाद उसका एप्लीकेशन बता सकते हैं कोविड uh, 19 के उदाहरण से देख बता सकते हैं कि वी हैड टू शो फेथ इन साइंस एंड वैक्सीन राइट बट एट द सेम टाइम वी हैड टू वर्क टायरलेसली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं दे वर्क टायरलेसली इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ कोरोना वायरस की बात कर सकतेव टू हैल स्ट्रेंथ टू ऑर्गनाइज प्रोटेस्ट्रेट एनश्योर जस्टिस इज सर्व राइट इसके अलावा ऑन्टरप्रिनशिप की बात कर सकते आप किसी व्यक्ति का नाम भी ले सकते हैं एल एल शोड फेथ इन आइडियाज राइट एंड एक्चुअली वर्क फॉर इट ही वर्क फॉर हि फेल्ड मेनी टाइम्स एंड स्टिल ही गॉट अप एंड तो इस तरह अगर आप एग्जाम्पल्स से अगर बताते हैं तो डेफिनेटली हेल्प करता है आपको आपको दस मार्कर क्वेश्चन तो दस पॉइंट लिखने हैं ऐसे जरूरी नहीं है आप पाँच छः पॉइंट भी लिख दे और उसके साथ एग्जाम्पल्स दो तीन कोट कर दैट शुड सफाइज राइट कंक्लूजन में आप अगेन यू कैन गिव यू कैन एम्फोसाइज इसका कॉम्प्लीमेंट्री रोल uh, है फेथ और स्ट्रेंथ का और उससे आप इसे एंड कर सकते हैं राइट इस आंसर को देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन लॉ अ मैन इज गिल्टी वेन ही वॉयलेट्स राइट ऑफ अदर्स इन एथिक्स ही इज गिल्टी इफ ही ओनली थिंग्स ऑफ डूइंग सो इमान्यल का कोर्ट है इमान्युअल कौन कौन है जर्मन फिलोसफर है इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं राइट हमारे लेक्चर्स में हम डिटेल में पढ़ते हैं तो यहाँ पे वो किस बात की किस चीज की बात करें वो कह रहे हैं कि जो मोटिवेशन है राइट इट गिवस एक्शन इट्स मॉरल वैल्यू आपकी जो एक्शन है उसको मॉरल वैल्यू मोटिवेशन या इंटेंशन से मिलता है इसका अर्थ क्या है अगर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया इन लॉ अ मैन इज किसी के परस्पेक्टिव तो right? तो वो, वो से गलत है राइट right? लॉ के परस्पेक्टिव से शायद गलत ना हो राइट right? मैं क्या सोचता हूँ जो भी चीजें सोचता हूँ वो अगर मैं एक्शन में लाता हूँ तभी मेरे को जज किया जाएगा बाय लॉ राइट बट मेरे सोच विचार पे भी एथिक्स काम करता है या जज uh, करता है मेरे या बेसिकली हाँ जज ही करता है एथिक्स जो है आपके इवन सोच को जज करता है अगर आप बुरा सोच रख रहे हैं तो यू आर नॉट बीइंग एथिकल और मॉरल इन दैट सेंस राइट सो यहाँ पे आपको यही पूछा गया है तो इमैनुअल कान्त को आप ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जर्मन फिलासफर गेव आइडियाज लाइक कैटेगरिकल इंपरेटिव सो सोन एंड सो फोर डी सिंपली राइट अगर नहीं पता इमैनुअल इमानुअल के बारे में सिंप्लीफाई कर दीजिए कोर्ट को Uh, फिर बाद में बॉडी में इंटरप्रिट करिए यहाँ पे कोर्ट को यहाँ पे वो कहीं ना कहीं मॉरल गिल्ट या एथिकल गिल्ट की बात कर रहे हैं राइट आपके थॉट्स इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है राइट right? वो विल की बात करते हैं वो इंटेंशन की बात करते हैं वो एक्शन को भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं uh, या ड्यूटी को फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी फॉर इन अकॉर्डेंस विद ड्यूटी राइट ये सारी चीजें आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं और अपनी इंटरप्रिटेशन बता सकते हैं right? राइट इसके बाद आप इसको एग्जांपल के साथ भी जोड़ के बता सकते हैं राइट एंड एप्लीकेशन एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो एप्लीकेशन इसका कई जगह पे हो सकता है जैसे प्रिवेंशन ऑफ कन्फ्लिक्ट आप देखोगे कि जब आ, हम किसी के बारे में खराब सोच रखते हैं राइट तो उससे कन्फ्लिक्ट बढ़ता है राइट सो इट एक्चुअली अप्लाइज इन रियल वर्ल्ड दैट वॉट थॉट यू होल्ड दैट लीड्स टू एथिकल इश्यूज राइट इसका इसमें ट्रस्ट इन रिलेशनशिप की बात करते हैं हमारे पर्सनल रिलेशनशिप में इफ़ वी हैव एनवी फॉर अदर्स और इफ वी हैव बिटरनेस फॉर अदर्स वी विल नेवर बी एबल टू मेंड आर रिलेशन राइट इस तरह आप वर्क प्लेस में भी बात कर सकते हैं जैसे किसी एक समाज के प्रति जाति के प्रति अगर आपका द्वेष है तो वो आपके काम में भी दिखाई देगा या आपके वर्क प्लेस में दिखाई देगा इन टर्म्स ऑफ द डाइवर्सिटी इन योर वर्क प्लेस ऑन सो फोर्थ सोसाइटल हारमोनी के से भी जोड़ के इसे देख सकते हैं राइट सो एप्लीकेशन जो है वो डाइवर्स रखी जो है एप्लीकेशन आपको स्पेसिफिक टू द लॉ ही नहीं देखना है कि लॉ के परस्पेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया तो लॉ पे ही अप्लाई होगा एप्लीकेशन आपका डाइवर्स हो सकता है वो उस ह्यूमन राइट्स के बारे में हो सकता है एनवायरमेंट के बारे में इंटरनेशनल रिलेशन इसको अगर आप जितना डाइवर्स करेंगे उतना ज्यादा आपको पॉइंट्स में नहीं बिकॉज इट शोज योर वॉट यू कैन से डायमेंशन वेरियस डायमेंशन दैट यू कैन अप्लाई और योर स्किल टू अप्लाई योर द सेम थिंग इन वेरियस डायमेंशन राइट कंक्लूजन में आप अगेन यू विल एम्फोसाइज स्ट्रेस हाउ वी शुड रेगुलेट अवर एथिकल थाट्स फॉर दैट यू कैन इवन गिव समल्यूशन की कैसे बुद्धिस्ट एथिक्स में राइट स्पीच राइट थॉट के बारे में बात की गई है तो वो आपके लिए एक तरीके से फाउंडेशन बन सकता है टू हैव इवन गुड थॉट्स इन योर हेड राइट सो इस तरह अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली ये आपको ज्यादा एक्स्ट्रा पॉइंट्स देगा सोल्यूशन बेस्ड आंसर इसके बाद क्वेश्चन है द कंसेप्ट ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट इज कंटेक्शुअल वॉट वॉज ईयर बैक मे टर्न आउट टू बी अनजस्ट इन टू डेजेक्सट चेंजिंग कंटेक्स शुड बी कॉन्स्टेंटली अंडर टू प्रिवेंट justice. ऑफ जस्टिस statement इन suitable विगज पूछा गया है कि जो जस्टिस का कंसेप्ट है ना वो डायनेमिक है आ, जो सौ साल पहले जस्ट था वो आज की डेट में जस्ट नहीं राइट कई सारे उदाहरण आप देख सकते हैं इसके राइट उदाहरण देने भी आपको और इसीलिए हमें हमेशा जो भी हमारे पैरामीटर जो भी हमारे लीगल या फिर कन्वेंशनल प्रिंसिपल्स है राइट उसको बार बार रेक्टिफाई करते रहना चाहिए ताकि हम अनजस्ट ना रहे इफ़ यू डू नॉट करेक्ट अवर ethical, moral standards or legal standards, we may end up doing injustice to a lot of people. जैसे होमोसेक्शुअलिटी की बात की जा सकती है जहाँ पे आप uh, uh, कह सकते हैं कि जिन लोगों को हमने क्रिमिनलाइज कर रखा था उसको अभी डीक्रिमिनलाइज़ किया है क्योंकि हमने माना है कि uh, जो है एक रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन और वुमेन एंड वुमेन इज देर पर्सनल मैटर राइट इट इज़ देर ऑटोनॉमी और उसको हमें उस सैक्रोसैंक है उसको हमें बचाना चाहिए तो इस तरह आप एग्जाम्पल के जरिए इसको समझा सकते हैं राइट तो आप डिफाइन करें जस्टिस एज अ डायनेमिक कंसेप्ट सोसाइटल लीगल और कल्चरल चेंज के हिसाब से वो चेंज होते हैं उदाहरण दे सकते हैं हमने जो है अगर आप देखो ये कहीं ना कहीं एथिकल रिलेटिविज्म से जुड़ा है हमने कई सारे उदाहरण दिए हैं आप देखोगे एक समय पे जो अबॉर्शन था वो इलीगल माना जाता था बट फिर बाद में उसको लीगल मानना शुरू किया अब आज की डेट में फिर से अबॉर्शन को अगर आप देखें यूएस में रो वर्सेस वेड की जो जजमेंट थी नाइनटीन एटीज नाइन्टीज तो उसको ओवरटर्न कर दिया अब अबॉर्शन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुछ चीज़ें जो है चेंज होती रहती है right? राइट इसी तरह कई और उदाहरण आप देख सकते हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं बता सकते हैं कैसे जो जस्टिस का कंसेप्ट है वो चेंज होता है जैसे स्लेवरी को अबेंडन किया हमने जेंडर राइट्स को बहाल किया है एल जी बी टी की राइट्स कई जगह पे हमने दिए हैं राइट तो कंटेक्स नेचर बताएंगे इवोल्यूशन बताएंगे लीगल सिस्टम का कैसे होते रहा है राइट right? स्क्रूटिनी की जरूरत है जो आज हमारे परिपेक्ष में जो गलत है उसको भी आप हाईलाइट कर सकते कि अभी भी हमने नहीं किया है मैरिज को शायद इसमें हमें कुछ काम करना चाहिए राइट right? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज एज अ गवर्नमेंट एज एन इंडिविजुअल और कंक्लूड करेंगे विजिलेंस uh, रखना है हमें कि जो भी हमारे मॉरल स्टैंडर्ड्स है उसको हम बार बार चेक करते रहे सोक्रेटस के कोट से भी आप एंड कर सकते हैं वो क्या कहते हैं सोक्रेटस की uh, हमारा पोटेंशियल तभी रियलाइज होगा अगर हम रिफ्लेक्टिव रहेंगे राइट वी हैव टू ऑलवेज रिफ्लेक्ट ऑन वॉट वी डू वॉट वॉट स्टैंडर्ड्स वी होल्ड राइट तो इससे हम अपना पोटेंशियल रियलाइज कर पाएंगे एंड लाइफ इज लाइक वर्थलेस ऐसा कुछ उन्होंने कहा उससे भी आप इसे कोट कर सकते हैं वही चीज़ आप इवन एक्स एक्सट्रापोलेट कर सकते हो टू सोसाइटल लेवल राइट सोसाइटी या लॉ के लेवल में भी आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करके बता सकते हैं राइट

टी uh, जैसा है वैसे करो राइट बट वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए किसके लिए गए वेलफेयर के लिए बनाए गए right? राइट और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन हम जब फॉलो करते हैं और उसके वजह से हम वेलफेयर नहीं कर पाते वही अपने आप में बाधा बन जाता है देन इट्स ऑफ नो यूज इसको हम सोशोलॉजी uh, में आय केज ऑफ रैशनलिटी से जोड़ के देखते हैं वेबर नाम के एक व्यक्ति ने इस टर्म इस, uh, कोट uh, किया था कि आय केज ऑफ रैशनलिटी जो ब्यूरोक्रैट्स है आयन की जो फ्रेशन है वो रूल्स एंड से बंद है उससे बाहर नहीं जा सकते नो शुड ओनली अंडरस्टैंड की रूल्स एंड रेगुलशन आर देयर टू तो इंट्रोड्यूस करें आप इसको विदसिंग ये जो है सिंप्लीफाई करें इस कोट को जब भी ऐसे बहुत ट्रिकी कोट होते हैं तो उसको सिंपल वर्ड में लिखिए फिर बाद में बॉडी में उसको थोड़ा डीपली इंटरप्रेट करिए यहाँ पे क्या जो पूछा गया है फॉर्म और सब्सटेंस इसमें क्या डिफरेंस है वो पूछा गया राइट तो उसको आप बताए कि कैसे स्ट्रिक्ट रूल्स जो है वो कई बार उसको जब एडहेड करते हैं आप तो जो पर्पस है उन रूल्स के रूल्स का उसको कहीं ना कहीं आप खो देते हो राइट एग्जाम्पल भी दीजिए आप जैसे ब्यूरोक्रेटिक डीलेस की वजह से कई बार हार्म होता है लोगों के वेलबींग well को या फिर बहुत ही रिजिडली अगर हम लॉज और रूल्स को अगर पढ़ते हैं राइट देन ऑल्सो इट लीड्स टू इनजस्टिस जैसे हमारे कोर्ट्स है बहुत सारे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन राइट उसको बहुत ही लिबरली उन्होंने इंटरप्रेट किया और ये कहते भी हैं वो बाकी जजेस को कि आप लिबरली इंटरप्रेट करें बहुत ज़्यादा नैरो व्यू में ना देखें लॉज को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को राइट तो इसमें आप इवन उदाहरण दे सकते हैं जैसे पी का उदाहरण दे सकते हैं कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जहाँ पर हम लोग अनाज वगैरह मुफ्त में या कंसेशन में देते जो गरीब लोग हैं उनके लिए अगर हमने आधार कार्ड ये एक इम्पॉर्टेंट ट्री विजिट बनाया तो कई सारे लोगों को हम ये पी से फायदा नहीं दे पाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये गवर्नमेंट को बताया कि आप आधार को जो है एक सोल क्राइटेरिया ना बनाए टू एंश्योर बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स राइट तो ये उदाहरण दिया जा सकता है टू मेक देम अंडरस्टैंड फॉर्म एंड सब्सटेंस के बारे में इसके बाद आप जो सिविल सर्वेंट का रोल है वो बताएंगे कैसे उसे बैलेंस करना पड़ता है प्रोसीजरल uh, रिक्वायरमेंट को विद द इंटेंट ऑफ द पॉलिसी और ये फाइन बैलेंस होता है वो कभी भी रूल्स एंड रेगुलेशन के बाहर नहीं जा सकता बट विद इन रूल्स एंड रेगुलेशन दैर इज अ स्कोप ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑल्सो तो उस डिस्क्रिप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं इसको आप एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ सकते हैं कैसे अगर हमने वी कैन गो बियॉन्ड प्रोसीजर्स एंड बियॉन्ड दॉज टू इवन एंडश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ़ द लॉ इसका उदाहरण है आप डिजास्टर uh, मैनेज manage के मैनेजमेंट के परस्पेक्टिव से बता सकते हैं। जब डिजास्टर मैनेजमेंट करना पड़ता है तो यू कैनॉट आइडेंटिफाई पीपल हु इज से रिच हुई इज पुअर हु इज

साउथ साउथ अफ्रीका में पर में आप देखोगे नेल्सन मंडेला ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा था कि जो जो वाइट कम्युनिटी के लोग हैं जिन्होंने अपराध किया है वो तो सामने आए और बोले कि हमने अपराध के एक्सेप्ट करें और हम उनके गुनाहों को माफ़ करेंगे अगर वो बहुत ज़्यादा घुरुसम नहीं है राइट तो आपने प्रोसीजर के बियॉन्ड जाके इंटेंट पे फोकस किया कि हमारा इंटेंट intent क्या इंटेंशन क्या है टू एंश्योर पीस एंड हार्मनी राइट तो अलग अलग लेवल पे आप इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं राइट कंक्लूजन में यू कैन से दैट वी हैव टू री इनफोर्स ए सिविल सर्वेंट वी मस्ट प्रायोरिटाइज सब्सटेंस ओवर ओवर वॉट फॉर्म इस तरह आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं फिर बाद में एक और क्वेश्चन है कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स के ऊपर कि ये सोर्स है हमारे गाइडेंस के uh, हमने कोड ऑफ कंडक्ट तो बनाया है और अवेलेबल भी है हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स नहीं कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में फर्क क्या है कोड ऑफ कंडक्ट ये डूज एंड डोन् के फॉर्मेट में दिए जाते हैं क्या आप कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते क्या किस चीज़ के लिए आपको अलाउड है कौन सी चीजें नहीं अलाउड कोड ऑफ एथिक्स बेसिकली कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जैसे कि यू हैव टू एंश्योर इंटीग्रिटी इन योर वर्क यू हैव टू बी एंश्योर अकाउंटेबिलिटी राइट कुछ प्रिंसिपल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं आपके डिसीजन को ये कहीं ना कहीं इंपैक्ट करते हैं right? राइट तो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद कंसेप्ट ऑफ कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट फिर आप बता सकते कि हम हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट है कई सारे लेवल पे है बट कोड ऑफ एथिक्स आज भी हमें कहीं ना कहीं लैक होते हुए दिखा दे रहा है आपको पूछा गया कि क्या मॉडल हो सकता है फॉर कोड ऑफ एथिक्स जिससे हम इंटीग्रिटी प्रोबिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर सकते हैं तो उस मॉडल में आप बताएंगे कौन से कौन से की एलिमेंट्स होने चाहिए राइट सो इंटीग्रिटी प्रोबिटी ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी इम्पार्शिटी ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स होने चाहिए इनको डिस्क्राइब करना है बट एट द सेम टाइम ये प्रिंसिप्स खोने से कुछ नहीं होता जब हम मॉडल देते हैं तो वो प्रिंसिपल्स कैसे अप्लाई होंगे अगर नहीं होते तो क्या होना चाहिए इसके बारे में भी प्रावधान देने चाहिए तो आप बता सकते हैं कि ऑडिट मैकेनिज्म होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल्स जो है ये फॉलो किए जा रहे स्टेट लेवल पे सेंट्रल लेवल पे एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाए कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है इनको फॉलो किया जा रहा है राइट मॉनिटरिंग सिस्टम के बारे में आप बता सकते हैं लाइक इवन आप लॉ के बारे में बता सकते हैं कि ये जो कोड ऑफ एथिक्स है इन्हें हमें सिर्फ एज अ एडवाइजरी डॉक्यूमेंट या गाइडेंस डॉक्यूमेंट नहीं के रूप में नहीं पारित करना है है इसे हमें लॉ के तहत लाना है यानी एक लीगल कोड के तहत हमने कोड ऑफ एथिक्स लाए तो उससे उसको सब्सटेंस भी मिलेगा राइट right? तो कंक्लूजन में आप अगेन यू कैन से कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कोड ऑफ एथिक्स को बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइन करें कोई एम्बिग्युटी ना रखें राइट right? अब यही चीज़ हम हमारे लेक्चर्स में भी पढ़ते हैं अगर आप देखो कि ए आर सी सेकेंड ए आर सी ने भी कुछ कोड ऑफ एथिक्स बताया तो वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं ये ए आर सी के हवाले से ये कुछ कोड ऑफ एथिक्स है जो कि हमें हमारे सिविल सर्वेंट ने अपहोल्ड करनी ही चाहिए या फिर आप इवन मेंशन कर सकते हैं जो पब्लिक सर्विस बिल आ, कुछ सालों पहले लाया गया था जिसमें कोड ऑफ एथिक्स के बारे में चर्चा हुई थी तो उसके हवाले से क्या क्या कोड ऑफ एथिक्स में की एलिमेंट्स हो सकते हैं वो भी आप बता सकते हैं राइट तो ये क्या करेगा आपको एक थोड़ा सा एज देगा एकेडमिक एज देगा टू योर आंसर राइट कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट पे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था अगेन द सेम थिंग कि वैसे के वैसा क्वेश्चन आता नहीं बट एटलीस्ट आपने जो है एक अटेम्प्ट किया है जो हमारी टेस्ट सीरीज होती है उसमें उस उस टॉपिक को अटेम्प्ट किया है तो एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाती कि मटेरियल क्या क्या है इसमें आता है राइट क्या क्या उसका बेसिक फाउंडेशन क्या है वो तो एटलीस्ट समझ में आता है उसको फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन था सोल ऑफ न्यू लॉ भारतीय न्याय संहिता इज टू तो प्रमोट जस्टिस इक्वालिटी एंड इन पार्शली बेड ऑन इंडियन कल्चर एन थोस डिस्कस दिस इन लाइट ऑफ मेजर शिफ्ट फ्रॉम डॉक्टर ऑफ पनिशमेंट टू जस्टिस इन द प्रजेंट जुडिशियल सिस्टम तो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट इफ यू एव नॉट रेड भारतीय न्याय संहिता और यू हैव नॉट हर्ड अबाउट इट और नॉट नो लीडल समर ईफ इट तो इट कैन बी डिफिकल्ट बट इफ इफ है थ्रू करंट अफेयर्स यू विल यू विल भी एबल टू मैनेज राइट अगर आप नहीं भी मैनेज कर पाते तो जो इम्पोर्टेंट की वर्ड्स है उससे भी आप जो है अपने आंसर्स में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं तो यहाँ पे बताया गया जो नया न्याय संहिता है हमारा भारतीय न्याय संहिता राइट तो इसका सोल क्या है सोल बोला जा रहा है कि इट प्रमोट्स जस्टिस इक्वेलिटी एंड इम्पार्शलिटी जो कि हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट है या एथॉस है जस्टिस इक्वेलिटी एंड इम्पार्शलिटी अब आपको डिस्कस करना है इस भारतीय न्याय कैसे इस भारतीय न्याय संहिता ने एक शिफ्ट लाया है फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ पनिशमेंट टू डॉक्ट्रिन ऑफ जस्टिस जो लॉ है वो पनिशमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता था राइट जो हमारे लॉज थे कई सारे लॉज तो हमने अडॉप्ट किए फ्रॉम ब्रिटिश पीपल एंड ब्रिटिश दे वॉट जस्ट इन दैट सेंस देर लॉ वर मोर ऑफ प्यूनिटिव रेट्रीब्यूशनल उसका नेचर हुआ करता था कि अगर आपने बुला, बुरा किया है, तो आपके साथ भी बुरा होना चाहिए राइट तो उस तरह से उनका रेट्रीब्यूशनल या फिर जस्टिस हुआ करता था अब जो है हमारा जो, जो लॉ का नेचर है वो अब जस्टिस के ओरियंटेड है कि हम जस्टिस एंश्योर करना चाहते रेदर देन पनिशमेंट राइट पनिशमेंट की बजाय हम जस्टिस के ओर देख रहे कि अगर लॉ से हम जस्टिस इंश्योर कर पाते हैं क्या ये शिफ्ट जो हुआ है इसको डिस्कस करना है राइट तो इंट्रोडक्शन में आप जो है सिंपली भारतीय न्याय संहिता क्या है वो बताएंगे राइट right? फिर बताएंगे कि कैसे ये शिफ्ट करता है जुडिशियल uh, अप्रोच को जो तो ट्रेडिशनल हमारा डॉक्ट्रिन था वो पनिशमेंट से रिलेटेड था जहाँ पर रिडिट्रीब्यूशन रे, 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 रेट्रीब्यूशनल जस्टिस की हम बात कर सकते हैं जो प्रिंसिपल हम हमारे लेक्चर्स में पढ़ते राइट रेट्रीब्यूशनल जस्टिस रिस्टोरेटिव जस्टिस हो हैं सो तो रेट्रीब्यूशनल जस्टिस के बारे में बता सकते हैं इसके अलावा आप बता सकते हैं कि जो आज के डेट में भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है वो कैसे जस्टिस सेंटर्ड अप्रोच रखता है ऑफ इक्वेलिटी इन पार्शली और इसको आप हमारे कल्चरल वैल्यू से जोड़ के देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि ये हमारे इंडियन कल्चर का हिस्सा है तो आप उदाहरण दे सकते हैं हमारे जो महाकाव्य रहे हैं महाभारत उसमें युद्धिटर की बात कर सकते हैं कैसे उन्होंने जो है कौरवों को माफ़ कर दिया कई सारे कवर, जो बच गए कौरव उनको माफ कर दिया आफ्टर आफ्टर द वॉर या फिर वॉर से पहले भी कई बार उनको कहा गया कि आप जो है हमें छोटा सा हिस्सा दे दीजिए पूरे जो हमारा राजवंश है उसका छोटा सा हिस्सा दे दिया वी आर हैप्पी फॉर इट राइट तो जस्टिस की बात कर रहे थे पनिशमेंट की बात नहीं कर रहे थे इवन आफ्टर वॉर दे 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 डिड नॉट किल ऑल कौरवास राइट और रिलेटिव्स ऑफ कौरवास उनको माफ कर दिया युधिष्ठिर ने तो ये उदाहरण आप दे सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं हमारे एथॉस का हिस्सा है नॉट पनिशमेंट बट जस्टिस राइट अब ये मेजर शिफ्ट जो है इसमें हमारा फोकस क्या है न्याय सहित में रिकनसिलेशन एंड ये बता सकते हैं और ये हमारे जो इथॉस है उसमें और इक्विटी की बात की जाती है राइट इससे आता है तो यहाँ पे आप इवन गौतम बुद्ध की बात कर सकते कैसे अंगुली माल जिसमें कई सारे लोगों के अंगूठे काटे उसको भी माफ कर दिया बुद्धा ने आफ्टर गिविंग हिम विजडम नॉट जस्ट लाइक दैट तो हमारा जो पनिश लॉ का जो जो उपयोग है वो रिस्टोरेटिव है कि हमें रिस्टोर करना है उन व्यक्तियों को भी जो कि गलत दिशा में चले गए

अगर हो सके क्रिटिज्म आप बॉडी में दे सकते हैं बट क्रिटिज्म कंक्लूजन में ना दे राइट right? तो आप बता सकती हैं कि पॉजिटिव स्टेप है इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए और रेक्टिफाई करना चाहिए राइट right? इस तरह आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं इसके बाद एक क्वेश्चन था इंडियन कल्चर एंड वैल्यू सिस्टम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीटी हैज बिन प्रोवाइडेड ऑफ जेंडर आइडेंटिटी द नंबर ऑफ वुम इन प्लिक सर्विस हैज स्टडिल इंक्रीजिंग ओर दर एमिन द जेंडर स्पेसिफिक चैलेंज फेस बाई फेल पब्लिक सर्वेंट एंड सजेस्ट सुटेबल मेर टू इक्रीज द एफिशेंसी डिस्चार्जिंग दै ड्यूटीज ऑन मेटेनिंग हाई स्टैंड प्रोर्टी पूछा गया है कि जो इंडियन कल्चर में आप देखोगे अपॉर्चुनिटी मिलती है महिलाओं को राइट जेंडर आइडेंटिटी की रिस्पेक्ट टू मिली है और आज की डेट में जो नंबर ऑफ वुमेन जो एंटर कर रही है पब्लिक सर्विस वो भी बढ़ रहा है ऐसे में आपको बताना है क्या चैलेंजेस महिलाएं फेस करती है पब्लिक सर्वेंट और क्या मेजर हो सकते हैं ताकि उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए ताकि जो हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोबिटी है राइट उसको हम इंश्योर कर पाए राइट तो इंट्रोडक्शन में आप स्पेसिफिकली कोई डेटा अगर आपको पता है कि महिलाओं की अगर संख्या बढ़ी है राइट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में वो कोर्ट कर सकते हैं या फिर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट कई बार आप देखोगे लॉ जो मिलिट्री है आर्मी है इनसे रिलेटेड जजमेंट देती है राइट कि महिलाओं को पा का पार्टिसिपेशन बढ़ाना चाहिए उनको राइट्स देती है तो उसी तरह का कोई जजमेंट उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं जनरली आप बता सकते हैं कि जो प्रोग्रेस हमें दिखाई देता है इन जेंडर इक्वालिटी इवन इन पब्लिक सर्विस विद इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन राइट अब बॉडी में जेंडर स्पेसिफिक चैलेंजेस के बारे में बात कर सकते हैं जैसे वर्क लाइफ बैलेंस है महिलाओं को दिक्कत होती है आप देखोगे पुरुष और महिलाएं जो है महिलाओं को घर पे भी काम करना पड़ता है राइट दैट इज द काइंड ऑफ सोसाइटी बिलीव इन राइट तो उसमें आप देखोगे वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन होता है अगेंस्ट वुमेन सेफ्टी कंसर्न्स है स्पेशली व्हेन दे आर ऑन द ड्यूटी इन द फील्ड लैक ऑफ मेंटरशिप महिलाएं हाई रोल पे नहीं है या फिर उच्चतम पोजिशन में नहीं जो कि गाइड करे महिलाओं को जो कि सबॉर्डिनेट लेवल्स पे राइट तो ज्यादातर उनको पुरुषों से ही ये जो है क्या बोलते हैं उसको गाइडेंस लेना पड़ता है जो कई बार कन्वीनियंट नहीं होता राइट मेजर्स बताएंगे कैसे एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है तो जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी की बात कर सकते हैं इक्वल अपॉर्चुनिटी सेफ्टी मेजर्स राइट जो कॉमन पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करना है आपने आपके आंसर को राइट सिंप्लिसी इज द की राइट कंक्लूजन में आप बता सकते हैं इन चैलेंजेस को अगर एड्रेस करेंगे सो इट वुड लीड टू अ रियल जस्ट और वट वी कैन से इट विल इंक्रीज द हाई स्टैंडर्ड ऑफ प्रोटी राइट इस तरह अभी इसे कंक्लूड किया जा सकता है uh, अभी ये क्वेश्चन कैसे आया आप देखोगे आ, जो करंट अफेयर्स है उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एंड एंटी करप्शन इनिशिएटिव एक ऐसा ही टॉपिक था हालांकि डायरेक्टली हम इससे रिलेट नहीं कर सकते बट काफ़ी हद तक इंस्पायर होते हैं क्वेश्चन राइट वैसे का वैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता आपको उससे जोड़ के कुछ और क्वेश्चन पूछा जाता है बट यहाँ पे भी हमने जे जो एंटी करप्शन इनिशिएटिव है उसमें जेंडर का क्या रोल है वो बताया था तो यहाँ पे भी प्रोबिटी की बात की गई है राइट प्रोबिटी को मेंटेन करना है तो क्या जेंडर रिलेटेड इश्यूज है या फिर जेंडर uh, uh, जो विमेन पब्लिक सर्वेंट है उनके लिए क्या चीजें हम कर सकते हैं मेजर्स जिससे प्रोबिटी को इन्श्योर किया जा सके राइट प्रोबिटी इज नथिंग बट एवर्डेंस ऑफ करप्शन राइट सो जेंडर मेन स्ट्रीमिंग एन एंटी करप्शन के ऊपर एक टॉपिक था जिसको हमने हमारे करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था सो इफ इफ यू गो थ्रू दिस टॉपिक एटलीस्ट एक फॉर्डर मटेरियल बन जाता है एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व इट राइट मिशन कर्मयोगी बहुत लकीली हमने मिशन कर्मयोगी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था हमारे करंट अफेयर्स में जिसमें हमने सिर्फ मिशन कर्मयोगी को नहीं समझा था बट Uh, क्या परफॉर्मेंस uh, uh, जो है क्या कहते हैं उसको uh, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और उस इनिशिएटिव्स के क्या, क्या फ़ायदे हुए वो भी हमने काफ़ी हद तक डिटेल में डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में और मिशन कर्मयोगी पे एक क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे बताया गया कि मिशन कर्मयोगी का, का काम क्या है हाई स्टैंडर्ड बढ़ाना जो स्टैंडर्ड है हमारे कंडक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्रूव करना और ज़्यादा एफिशियट बनाना सिविल सर्वेंट को यह बेसिकली कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है uh, तो ये जो स्कीम है ये कैसे एम्पावर करेगी सिविल सर्वेंट को इनहें इन्हेंसिंग द प्रोडक्टिव एफिशंसी एंड डिलीवरिंग सर्विस एट द ग्रास रूट लेवल राइट सो कैसे ये जो जो प्रोग्राम है ये सिविल सर्वेंट की प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंसी को बढ़ाएगी और जो ग्रास रूट लेवल सर्विस डिलीवरी है उसको कैसे इंप्रूव करेगी ये पूछा गया था राइट right? तो इंट्रोडक्शन में आप मिशन कर्मयोगी है क्या वो बताएंगे कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है इनहेंस करना है कंडक्ट को एथिकल कंडक्ट को बिहेवियर को एट द सेम टाइम एफिशिएंसी बढ़ानी है राइट इसके लिए बॉडी में आप बताएंगे कुछ स्पेसिफिक उसके मेजर्स uh, या जो जो चीज़ें इस, इस 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 प्रोग्राम के तहत uh, हमने इम्प्लीमेंट की है राइट right? तो आप जैसे मैंने कहा कि अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ चुके हैं अच्छे से राइट right, तो आप मेजर्स बता सकते हैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे uh, आप uh, जो है पी uh, एम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के बारे में बता सकते हैं या फिर uh, कई सारे अकेडमीज़ के बारे में बता सकते हैं आई आई गॉट कर्मयोगी के बारे में, में भारत पोर्टल के बारे में ये सारे जो ऑनलाइन मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड Uh, improvement, right? So on and so forth, right? ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसके बारे में आप बता सकते हो उसका जो बेनिफिट रहा है वो भी आप बता सकते रहे सो सिंपल रखेंगे अगर आपने पढ़ा है तो डेफिनेटली यू कैन कवर इट अगर नहीं भी पढ़ा है तो डेफिनेटली आप कुछ कुछ पॉइंट्स जोड़ के आप बता सकते हैं कि कैसे ये स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करता है एथिकल गवर्नेंस के ऊपर फोकस करता है या फिर डिजिटल टूल्स प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करता है जिससे लोग खुद ई e लर्निंग के द्वारा सीख सकते हैं नई चीज़ें सीख सकते हैं जिससे उनके एफिशियसी ए के बारे में भी बात की गई मिशन करनी होगी राइट तो रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विस कैसे रिस्पॉन्ड करना है राइट तो आ, सिमुलेशंस की बात की गई है कि कैसे जो कंफ्लिक्ट सिचुएशन उसको सिमुलेट करना और उसके ऊपर काम करना राइट right? ताकि एक् एक्चुअल में जो कंफ्लिक्ट हो जाए तो हमारा जो रिस्पांस है टुवर्ड्स पब्लिक वो ज़्यादा ह्यूमन लगे तो इस तरह के प्रोग्राम्स भी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लिए गए हैं जिसको हमने काफ़ी हद तक डिस्कस किया था तो काफी हद तक इसको आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा पढ़ाया कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि मिशन कर्मयोगी हो एक होलिस्टिक अप्रोच है और ये इम्प्रूव करेगा सिविल सर्वेंट परफॉर्मेंस को और ग्रास रूट लेवल सर्विस डिलीवरी को इसके अगर आप कुछ एविडेंसेस जो हमने डिस्कस किए हैं या फिर आप भी अपने एंड से जब पढ़ते हो करंट अफेयर्स तो वो भी आप कोट कर सकते हैं वाइल गिविंग दी पॉइंट्स राइट कैसे उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ सेक्शन बी ये केस स्टडी से जुड़ा है बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे अदरवाइज बहुत लंबा चला जाएगा मोटा मोटी तौर पे क्या केस स्टडी था और क्या क्वेश्चन पूछे गए थे वो वो बता दूंगा आपको राइट right? तो पहला जो क्वेश्चन था काफी लंबा जो शुरुआत के तीन क्वेश्चन है वो काफी लंबे थे तो ज़्यादातर ऐसा ही करती है सिविल सर जो एग्जाम से पहले आपको थका देती है तो बहुत इंपॉर्टेंट आप चूज करें कि कौन से क्वेश्चन को आप पहले सॉल्व करेंगे राइट छोटे क्वेश्चन को तुरंत तुरंत सॉल्व कर सकते हैं आप राइट और फिर आप बड़े क्वेश्चन पे आ सकते हैं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है वो आप एक ही बार पढ़ सकते हैं राइट एक ही बार पढ़ सकते हैं छोटे क्वेश्चन आप शायद दो बार पढ़ सकते हैं बट बड़ा क्वेश्चन तो एक बार तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप साइड में फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी लिखिए क्वेश्चन पेपर पे राइट आप या फिर आंसर पेपर पर भी लिख सकते हैं पेंसिल से लिखिए बट बेटर है क्वेश्चन पेपर पर ही लिखे तो फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी में क्या है बेसिकली जो uh, जो जिस्ट है उसकी स्टडी का समरी है वही आई जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सारे फैक्ट्स नहीं आएंगे राइट तो uh, यहाँ पे इस केस स्टडी में बेसिकली ये केस स्टडी जो है पहली जो केस स्टडी इसमें बताया गया कि आप एक सी ई हैं ए बी सी इनकॉरपोरेशन के और uh, आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड कंपनी को चला रहे हैं बट uh, यहाँ पे बताया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है या जो डेटा सेंटर्स होते हैं या जो कंपटीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत होती है उसके उसके लिए बहुत एनर्जी लगती है और एनर्जी लगती है तो आपको कूलिंग सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ते हैं कूलिंग सिस्टम्स क्रिएट करने पड़ते हैं और ये एनर्जी कूलिंग सिस्टम ये सारा कुछ कार्बन एमिट करता है ग्रीन हाउस एमिशन लीड करता है इससे राइट तो आपके जो भी टारगेट्स थे कि ग्रीन हाउस एमिशन कितने रखने उसको एक्सीड कर दिया है आपने राइट और आपको जो है डांट पड़ रही है सो एन सो फो आपके आपका जो भी गोल है नेट जीरो एमिशन करना वो भी आप अचीव नहीं कर पाए तो कैसे मैनेज करें एक तरफ है आपका डेवलपमेंट uh, या आपका जो है गोल ऑर्गेनाइजेशन गोल दूसरी तरफ एनवायरमेंटल गोल राइट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप देखोगे uh, जो केस स्टडी होते हैं उसमें एक कंटेक्स दिया गया होता है फॉर द न्यू कमर्स एक कंटेक्स दिया गया होता है जिसमें आपका एक रोल होता है और आपसे कुछ ट्रेलिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे जैसे ट्रेलिंग क्वेश्चन पूछा गया वॉट डू डू यमीजिएट रिस्पॉन्ड टू द चैलेंज पोस्ट इन दबाउ केस जो जो भी केस दिया गया उसमें क्या चैलेंजेस uh, uh, आ रहे हैं उसको कैसे आप इमीजिएट रिस्पांस होगा आपका इमीजिएट रिस्पांस तो इमीडिएट सोल्यूशन uh, होगा राइट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन आप यहाँ पे नहीं दे सकते शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो है वो पूछे गए फिर बाद में क्या क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इस केस में वो पूछा गया और जो पेनलाइज करने की बात की गई है जो बाकी टेक्नोलॉजिकल वो आपको पेनलाइज करने की बात कर रहे हैं तो आपके क्या आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि आप वो पेनल्टी से बच पाओगे राइट right? या ये भी पूछा गया बींग कॉन्शियस बींग वॉट मेजर्स वुड यू टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन ए आई इनोवेशन एंड एनवायरमेंटल फुटप्रिंट रिसेंटली लास्ट ईयर देखो आप uh, एक ए आई पॉज की बात की गई थी बड़े बड़े जो हमारे टेक्निकल uh, या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लोग हैं जैसे एलन मस्क है या और भी लोग हैं वो कह रहे थे ए आई बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो रहा है और इसके क्या रिस्क है वो हमें पता नहीं तो हम कुछ छः महीने के लिए पॉज लगाते हैं तो ये जो भी केस स्टडीज आए ना इस बार तो वो इस साल के जो इशूज है उससे नहीं एक दो साल पहले के इशूज से आए और ऐसा किया जाता है कई बार एक दो साल पहले के इशूज के ऊपर केस स्टडी बनते हैं तो डेफिनेटली आपने अगर आप इवन पी या फिर अगर आप टेस्ट पेपर भी देखते हो कई सारे इंस्टीट्यूशन के तो आप पुराने टेस्ट पेपर उठा के भी उसे सॉल्व कर सकते हो वो भी एक अच्छा अप्रोच है ताकि आप पुराने इशूज़ के ऊपर भी आप जो है अपनी पकड़ बनाए रखें राइट सो क्वेश्चन के, के स्टडी को सॉल्व करने का तरीका होता है इंट्रोडक्शन होता है कंक्लूजन होता है अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेलिंग क्वेश्चन है तो आप स्टेक होल्डर्स ना बताएं तो भी ठीक है स्टेक होल्डर्स कौन है वो लोग जो कि इसके स्टडी से जुड़े हुए हैं तो उन स्टेक होल्डर्स को आप बताएं जब ट्रेलिंग क्वेश्चन कम है अगर क्वेश्चन अपने आप में छोटा है तो आप स्टेक स्टेक होल्डर्स बताएं अदरवाइज कोई मतलब नहीं बिकॉज यू हैव लॉट टू कवर एंड यू हैव लिमिटेड स्पेस राइट एंड यू हैव लिमिटेड टाइम ऑल्सो तो स्टेक होल्डर्स अभी बताएं जब ट्रेलिंग क्वेश्चन कम है और जो क्वेश्चन है अपने आप में छोटा है राइट right? तब आप बता सकते हैं तो uh, आपने इंट्रोडक्शन दे दिया इंट्रोडक्शन में जो मेन कोर इशू है उसको हाईलाइट करिए यहाँ पे अगर आप देखें एक तरफ रैपिड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है दूसरी तरफ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इसमें uh, जो है एक uh, हमें टसल दिखाई देता है या फिर ये, ये ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं राइट तो ये एक इशू है जो कि ज़्यादातर जो आज अब तक फॉसिल इंडस्ट्री या फॉसिल से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज जो है या मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए मैनुफैक्चरिंग से जुड़े हुए इंडस्ट्रीज से रिलेटेड हुआ करते थे ये इश्यूज़ बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंडस्ट्री उनमें भी ये इश्यूज़ पाए जा रहे हैं बिकॉज अगेन मैंने जैसे कहा कि डेटा सेंटर्स को कूल करने के लिए यूनिड लॉट ऑफ कूलिंग सिस्टम एट द सेम टाइम द डेटा सेंटर इट से लॉट ऑफ एनर्जी बहुत एनर्जी लगती है कंज्यूम करती बिकॉज दे आर कम्प्यूट कंप्यूटिंग डेटा एट अ वेरी हाई स्पीड एंड एट एट वेरी ग्रेट डेटा रेंज राइट सो इसको कैसे इन्श्योर किया जाए तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको Uh, जो है कार्बन एमिशन बढ़ता है तो रिस्पॉन्स बताएंगे क्या क्या हमारे रिस्पॉन्स होंगे एज अ सी तो uh, आप ये आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं राइट right? आप अपने एंड से पढ़ सकते हैं इनको आई वॉन्ट गो इन टू डिटेल अदरवाइज बहुत लंबा हो जाएगा फिर एथिकल इशूज बताएं जो पूछा गया जो ट्रेनिंग क्वेश्चन से आप उसी ऑर्डर में सॉल्व करते जाइए और फिर आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे वो बताएं मेजर्स बताएं और कंक्लूजन कंक्लूजन बैलेंस होना चाहिए जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो हर बार आते हैं एन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है जहाँ पे डेवलपमेंट और एन्वायरमेंट अब अगर आप देखो थ्योरी के क्वेश्चन में भी एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था क्लाइमेट uh, चेंज और uh, इससे रिलेटेड एन्वायरमेंट से रिलेटेड एट के स्टडी में भी पूछा गया तो एन्वायरमेंट एंड एनवायरमेंट रेगुलेशन और एन्वायरमेंट कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड योर इकोनॉमिक ग्रोथ इससे या फिर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी इसमें आपको अगर चूज करना है तो इट इज़ नॉट अ वेरी इजी थिंग यू हैव टू ऑलवेज मेंशन बैलेंस अप्रोच और बैलेंस अप्रोच तब होगा जब आप अगर हम इकोनॉमिक इंटरेस्ट uh, के साथ पब्लिक uh, इंटरेस्ट को भी जोड़े या फिर एनवायरमेंटल इंटरेस्ट को भी जोड़े राइट right? सो so, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी कैन बी दी वे राइट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट विल बी दी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अगेन इट इज डीलिंग विदर्टिकुलर इश्यू दैट इज कॉल्ड एज टेरिज्म नॉट रॉन्ग ये यस रेडिकलिज्म और टेररिज्म से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है इसमें बेसिकली आपका रोल आप डीजी हो स्टेट के आई ऑफिसर हो और आप देखते हो कि आपके इर्द गिर्द आपको जहां पे पोस्ट किया गया है वहां पे जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है एंड दे आर वेरी वेलनरेबल टू द पीपल रेडिकल पीपल एज द टेररिस्ट ग्रुप सो दे आर रिक्रूटिंग दिज अनएम्प्लॉयड पीपल फ्रॉम अ स्पेसिफिक कम्युनिटी बताया गया है और ये बच्चे क्या करते हैं फिर ये बच्चे बेसिकली एंटी गवर्नमेंट स्टांस लेते एक होता है क्रिटिकल ऑफ गवर्नमेंट बीइंग क्रिटिकल बट इफ यू आर एंटी गवर्नमेंट और इन द सेंस यू आर हाईली क्रिटिकल टू द लेवल दैट यू आर इन अ वे अंडरमाइनिंग द ट्रस्ट ऑफ द स्टेट इट सेल्फ देन दैट इज समथिंग एज रॉन्ग राइट तो ये ये जो ये जो स्टूडेंट ये जो अनएम्प्लॉयड यूथ है ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके इस तरह के जो एंटी नेशनल कंटेंट को स्प्रेड कर रहे हैं राइट सो एन एंड सो बुद्ध तो आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में स्ट्रैटेजीज बतानी कैसे इस इश्यूज़ को आप डील कर पाएंगे राइट right? तो अगर आप देखिए ट्रेलिंग क्वेश्चन क्या क्या ऑप्शन है आपके पास इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए क्या मेजर्स आप लेंगे राइट right? वो पूछा गया या फिर आ, क्या एडवाइस करेंगे कैसे इंटेलिजेंस गैदर किया जा सकता है तो बहुत ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और स्पेशली जो लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजीली आप टैकल कर सकते हैं राइट right? और ये काफ़ी हद तक जुड़ा है हमारे करंट अफेयर्स से भी आप देखोगे बीच में आई ने कई सारे लोगों को रिक्रूट किया ऐसा बताया जा रहा था राइट इंडिया से या कई और देशों से भी रिक्रूट किया जा रहा था राइट तो अगेन सच सच जो रिसेंट पास्ट में हुआ है दो साल में उसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं ये एक उसका उदाहरण है राइट तो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन देंगे क्योंकि अगर आप देखो ट्रेलिंग क्वेश्चन कम है तो आप स्टेक होल्डर्स बता सकते हैं अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं दैट इज ऑल्सो ओके बहुत जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन में स्टेक होल्डर्स हो राइट दैट्स अ मिथ फिर बाद में ऑप्शन बताएंगे क्या क्या अवेलेबल है मेजर्स बताएंगे कैसे स्ट्रेंदन किया जा सकता है एग्जिस्टिंग सिस्टम को एक्शन प्लान बताएंगे कैसे इंटेलिजेंस गैदरिंग को बढ़ाया जा सकता है कंक्लूजन में आप जो है बताएंगे दोनों चीज़ें जरूरी है एक तो है कि आपको सिक्योरिटी सिक्योरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सकोरिटी ऑफ़ द स्टेट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम जो उसका अंडरलाइंग कॉज है फॉर दिस इशू राइट सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वनरेबिलिटी एंड उस पर भी काम करना जरूरी है तो मल्टीप्राउंड अप्रोच की बात करेंगे जहाँ पे हम सोशल इकोनॉमिक वलरेबिलिटी को दूर करने की कोशिश करेंगे एट द सेम टाइम लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन करेंगे देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन रिलेटेड टू दिस थिंग ओन दी राइट सिक्योरिटी कंसर्न से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन है नक्सलिज्म से रिलेटेड uh, क्वेश्चन है तो रिसेंट uh, पास में आपने देखा होगा कि नक्सलिज्म फिर से बढ़ रहा है स्पेशली माओविज्म बढ़ रहा है राइट right? uh, कुछ लोगों को एम्बुश भी किया गया था हमारे ही सोल्जर्स uh, को राइट right? तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है तो इसमें बताया गया है कि आप एक ऑपरेशन होल्ड कर रहे हो और आपने कुछ नेक्सलाइट्स को पकड़ा है यू हैव बीन एबल टू सक्सेसफुली कैप्चर टेन ऑफ देम उसमें से दो बहुत ही खूंखार और uh, हम कह सकते हैं टॉप इंसर्जेंट है बट uh, उनको जब आप पकड़ते हो तो गांव वाले जो ट्राइबल लोग हैं वो घेराबंदी कर लेते हैं आपकी uh, और फिर आपको जो है uh, उनको छोड़ना पड़ सकता है यहाँ पे अगर आप नहीं छोड़ते तो यू मे हैव टू यूज वॉयलेंस यू हैव टू यूज़ फोर्स

जो महिलाएं प्रोटेस्टर थे उनको डील करने के लिए क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स जाने चाहिए राइट तो आप देखोगे प्रोटेस्ट बीच में भी हुआ था सी एनआरसी uh, के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था राइट उसमें महिलाएं बहुत ज्यादा शामिल थी तो उस उस उसको भी कहीं ना कहीं जोड़ के देख सकते हैं या फिर वहां से भी इंस्पायर होते हुए हमें दिखाई दे रहा है ये केस स्टडी राइट सारा पार्ट नहीं कुछ कुछ पार्ट यहाँ वहां से जोड़ के बनाया गया है राइट तो यहां पे आप ऑप्शंस बताएंगे क्या ऑप्शन है आपके पास आप इमीडिएटली रिलीज करें नक्सलाइट्स को नेगोशिएट करें फोर्स का इस्तेमाल मॉडरेट फोर्स का इस्तेमाल करें राइट टैक्टिकल रिट्रीट ले ऐसे कुछ मेजर्स आप बताएंगे या फिर ऑप्शंस बताएंगे उसके मेरिट्स डीमेरिट्स गिनाएंगे फिर एथिकल डिलेमा क्या क्या है एक तरफ पब्लिक सेफ्टी है दूसरी तरफ लॉ एनफोर्समेंट है राइट शॉर्ट टर्म पीस है दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी इशू है वो उनको अगर आप छोड़ देते हो लीड टू दैट वुड बैक फायर एंड मेनी ऑफ योर सोल्जर्स मेक इट किल्ड राइट सो वैन एंड सो फूड अब मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे कि नेगोशिएट करे दीज वुमेन प्रोटेस्टर्स ट्राइबल्स हुआ जिन्होंने घेराव कर रखा है और नॉन लिथल फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप राइट right? स्पेशली uh,

नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू कॉरपोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड या फिर बेसिकली uh, ये प्राइवेट इंटरेस्ट वर्सेज पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ केस लिया प्रोफेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ केस राइट right? mm. तो यहाँ पे बताया गया कि नेहा जो है स्नेहा एक सीनियर uh, मैनेजर है एक रेप्यूटेड हॉस्पिटल में उनका काम क्या है प्रोक्योरिंग इक्विपमेंट्स जो मेडिकल इक्विपमेंट्स उनको प्रोक्योर करना और uh, उसकी उसका जो भाई है वो भी चाहता है कि uh, ये ऑर्डर उसे मिले एंड ही इज इन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज अब यहाँ पे इशू है कि अगर वो ऑर्डर दे देती है अपने भाई को तो वहाँ पे फेवरेटिज्म का एक एक्यूजेशन लग सकता है राइट तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इंट्रोडक्शन आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कहीं ना कहीं देर इज अर इज़ अ डेलेमा और व्हाट वी कैन से कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट राइट कन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट सिचुएशन है एक तरफ पर्सनल इंटरेस्ट है कि मैं मेरे भाई की मदद करूँ दूसरे प्रोफेशनल इंटरेस्ट है कि मैं बेस्ट जगह से मेडिकल इक्विपमेंट्स खरीदों राइट तो यहाँ पे अगर आप देखिए ट्रेलिंग क्वेश्चन में क्या पूछा गया वाट शुड स्नेहा कोर्स ऑफ एक्शन बी

इंट्रोडक्शन हैं फिर स्टेक होल्डर्स बता सकते हैं जो, जो तीन केस स्टडी वो शॉर्ट है राइट right? उस और उसमें ट्रेनिंग क्वेश्चन भी कम है तो आप स्टेक uh, होल्डर्स बता दीजिए कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा वो पूछा गया तो आप बताएंगे कोर्स ऑफ एक्शन राइट स्टेप बाय स्टेप रेक्यूज की बात करेंगे जब भी कंफ्लिक ऑफ इंटरेस्ट होता है वहां पे तीन तरह से हम उसको डील करते हैं right? राइट अवॉइड पहले तो अवॉइड करना है conflict इसको कंफ्लिक uh, एक तरीका है एंड डिस्क्लोज uh, जो भी कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको डिस्क्लोज करे रेक्यूज करे खुद को वहां से हटा ले जब भी आप कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन में या अवॉइड करें राइट रे? तो रेक्यूज कर लेना है ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रखना है डिक्लेयर करना है अपने कंफ्लिक्ट को कंसल्ट करना है मैनेजमेंट को सेट करना है प्रेसिडेंट इन्श्योर करना है कंप्लाइन सो एन एंड तो, तो इसके बाद जस्टिफिकेशन क्या होंगे आपके वो सारे आप लिखेंगे राइट और मेडिकल एथिक्स कैसे कॉम्प्रोमाइज होता है अगर आप पर्सनल इंटरेस्ट को प्राथमिकता देते हैं राइट तो एथिक्स ऑफ केयर कंप्रोमाइज़ होता है राइट एक मेडिकल एथिक्स का एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है एथिक्स ऑफ केयर नॉन मेलेफिशियंस एंड और भी कुछ प्रिंसिपल वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं राइट सो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ड्यूटी इरोजन ऑफ स्टैंडर्ड रेपुटेशन डैमेज पब्लिक परसेप्शन तो कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि uh, उसने अपने पर्सनल इंटीग्रिटी को और प्रोफेशनल इंटीग्रिटी को दोनों को भी मेनटेन करना है राइट जिससे पब्लिक का ट्रस्ट बना रहे? इस तरह आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं एलेवेंथ क्वेश्चन जो है वो समर से रिलेटेड है या रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन जस्टिस से रिलेटेड है राइट right? कि आपके पास रिसोर्सेस है उसको आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना है और रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है वो जस्टिस के बेसिस पे आपको करना है राइट right? या ये प्रिंसिपल आपको होल्ड करना है यहाँ पे क्या बताया गया कि एक बहुत हॉट समर के कारण वाटर क्राइसिस हो रखा है और इसमें क्या हुआ है कि जो पानी है आइदर यू हैव टू गिव इट टू द फार्मर्स और टू द इंडस्ट्रियलिस्ट और यू हैव टू स्ट्राइक अ बैलेंस राइट तो बताया गया कि जो फार्मर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई गई है कि वो बहुत ज्यादा डीप बोरवेल नहीं कर सकते एक्सप्लॉयट नहीं कर सकते ज़्यादा पानी को वाटर कंजर्वेशन करना है सो दे आर गेटिंग इरीटेटेड एंड दे आर सीइंग कि आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट को पानी तो बहुत सारा दे रहे हो उनको यूज़ करने के लिए सो so, वो प्रोटेस्ट करने की बात करते हैं नाव यू आर इन डेलेमा क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में राइट सो ट्रेलिंग क्वेश्चन में आपको पूछा गया डिस्कस ऑल दी ऑप्शन दैट अवेलेबल टू यू इन सच सिचुएशन एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या एक्शन आप लेंगे इन द व्यू ऑफ म्यूचुअली कंपेटेबल इंटरेस्ट एंड वॉट आर द पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एथिकल डेलेमा एज अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर राइट तो इशू जो है उसके बारे में आप स्टार्ट करें उससे स्टार्ट करें जो कोर इशू है इसके स्टडी का इंट्रोडक्शन में कि द इशू इज अबाउट मैनेजिंग रिसोर्सेज ड्यूरिंग क्राइसिस दट इज बैलेंसिंग स्टेक होल्डर कई सारे स्टेक होल्डर होते हैं उन रिसोर्सेस के लिए या जो क्लेम करते हैं उन रिसोर्स को तो आप कैसे बैलेंस इंश्योर करेंगे सभी के क्लेम्स को पूरी uh, तरह से तो हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हर एक क्लेम को या फिर इंश्योर नहीं कर सकते सारे 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 के क्लेम्स जो है वो uh, या जो भी उनके डिमांड्स है वो फुलफिल करें बट क्या एक बैलेंस ट्राइक कर सकते तो वो एक कोर इशू है यहाँ पे उससे स्टार्ट करेंगे ऑप्शन क्या क्या अवेलेबल है वो बताएंगे उसके मेरिट्स डीमेरिट्स गिराएंगे सूटेबल एक्शन क्या होगा हमारा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एथिकल डिलेमा क्या क्या हो? एक एडमिनिस्ट्रेटर फेस करता है राइट right? जैसे रिसोर्स एलोकेशन यू हैव टू बैलेंस बिटवीन वाटर रिसोर्स गिवन टू द इंडस्ट्री एज वेल एज एग्रीकल्चर

प्रिंसिपल बिंग अंडर माइंड रेड इसको एथिकल डिलेमा कहा जाता है सो so, कंक्लूजन में आप बताएंगे इक्विटेबल सोल्यूशन के ऊपर फोकस करेंगे कि इक्विटेबल सोल्यूशन इंश्योर करना है ट्रांसपरेंट uh, कम्युनिकेशन रखना है और सस्टेनेबल प्रैक्टिस होनी चाहिए ताकि पानी जो है वो कंजर्व किया जा सके राइट right? तो इन सभी प्रिंसिपल्स को आप टिक करके हुए हुए ही कंक्लूड करेंगे लास्ट जो क्वेश्चन था वो अगेन रिलेटेड टू से अवर करंट अफेयर्स जो कोरोना का समय था हमारे जो अब देखो वैक्सीन बनाने की होड़ लगी थी तो वैक्सीन बनाते समय प्रोटोकॉल सारे फॉलो नहीं किए गए कई सारे कंपनीज ने फॉलो नहीं किए और उसके कारण आज भी हमें दिखा देता है जो है एलिगेशन लगते हैं कि कुछ लोगों को हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है बिकॉज ऑफ वायरस राइट तो ऐसा ही एक केस स्टडी है जहाँ पे एक साइंटिस्ट है जिसको एक नई ड्रग बनानी है फॉर 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 अगेंस्ट स्प्रेडिंग वायरस वायरस एक एंटी वायरस बनाना है ड्रग बनाना है तो प्रेशर है कि इसको प्रोसेस को बहुत तुरंत करना है बट एट द सेम टाइम फर्स्ट गेन एडवांटेज भी है यानी अगर आप पहले बनाते हैं मेडिसिन या फिर जो भी ड्रग्स है तो आप मार्केट कैप्चर कर पाएंगे राइट तो आपके जो टीम मेंबर है वो आपको कहते हैं कि शॉर्टकट ले लेते हैं कि इतना टाइम तो नहीं है हमारे पास हम डेटा को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर लेंगे इन्फॉर्म्ड uh, कंसेंट जो है uh, जो ट्रायल होती है उसमें कंसेंट लेना पड़ता है आपको जिसके ऊपर भी ट्रायल कर रहे हैं तो वो पूरा पूरा डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम uh, जो भी मटेरियल uh, uh, है या फिर जो भी कंसेंट uh, है वो इनफॉर्म इन्फॉर्म कंसेंट यानी वेन यू आर अंडर अ ट्रायल यू शुड भी इन्फॉर्म्ड अबाउट ऑल दी निटिग्रिटीज ऑफ द ट्रायल राइट वॉट कुड बी दी रिप्रिकॉशंस और डिसएडवान्टेजेस और साइड इफेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर ड्रग दैट वी आर बींग एडमिनिस्ट्रेड तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे आधी अधी देंगे ताकि लोग अग्री करें टू टू अंडरटेक ट्रायल्स राइट इसके अलावा बताया गया कि आप जो कंपाउंड है वो uh, दूसरी राइवल कंपनी का जो कंपाउंड है जो ड्रग का कंपाउंड होता है वो वो यू यूज़ कर सकते हैं जो पेटेंटेड है राइट right? uh, कई बार जो है आप देखोगे जो ड्रग्स होते हैं वो पेटेंटेड होते हैं वो आप ख़ुद से नहीं यूज़ कर सकते वो जो फार्मूला है तो यहाँ पे कहा गया उस फार्मूला का हम इस्तेमाल कर लेते हैं राइवल वालों के सो तो जो भी उस ड्रग के बनाने के प्रोसेस में रिक्वायर्ड है राइट अब श्रीनिवास जो है वो डिलेमा फेस कर रहा है एक तरफ साइंटिफिक इंटीग्रिटी है दूसरी तरफ जो है आपके जो रिक्वायरमेंट्स नीड्स है नीड ऑफ द टाइम है राइट तो इसके अलावा डेटा एथिक्स और ड्रग एथिक्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया तो एक, एक सेकंड हम ट्रेलिंग क्वेश्चन देखते देख लेते हैं वॉट वुड यू डू इन सच सिचुएशन ये पूछा गया इसके बाद एग्जामिन योर ऑप्शन क्या ऑप्शन है आपके पास और उसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं एथिकल कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इसके अलावा हाउ डेटा एथिक्स एंड ड्रग एथिक्स सेव ह्यूमैनिटी एट एट लार्ज इन सच सिनारी राइट तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज वी हैव सीन दिस इन न्यूज़पेपर जो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़े एक दो साल से सो यू नो आप एग्जांपल्स भी कोट कर सकते हैं जैसे आप रिसेंट uh, जो वर्ल्ड है यूके में राइट right? कि कुछ कुछ लोगों को जो है तकलीफ हो रही है और उनको कंपनसेट uh, करना पड़ा एस्ट्राजनाका को राइट right? तो वो भी आप यहाँ पर कोट कर सकते हैं राइट सो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे फार्मेटिकल रिसर्च में बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ही क्रिटिकल है कि यू हैव टू एंश्योर प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाए राइट बिकॉज वॉट इज इन लाइन इज टू थिंग्स वन इज कमर्शियल इंटरेस्ट एंड सेकेंडली पब्लिक सेफ्टी राइट तो ये दोनों भी जो है एक दूसरे के साथ जाने चाहिए राइट नॉट अगेंस्ट कभी भी अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए अदरवाइज यू विल लूज ट्रस्ट ऑफ द पीपल तो व्हाट शुड यू डू इन सिचुएशन तो आप बहुत ही है आपको प्रोटोकॉल्स फॉलो करने पड़ेंगे रिजेक्ट करना पड़ेगा शॉर्टकट कर, यहाँ पे जब लोगों की लाइफ की बात आती है तो बिल्कुल भी आप कोई भी मिडिल पाथ नहीं एंश्योर बताएंगे राइट कोई भी मिडिल पाथ नहीं लेंगे हम तो जो है एथिक्स और स्टैंडर्ड के साथ ही खड़े रहेंगे राइट कंप्लाई करेंगे फिर ऑप्शन बताएंगे क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज और इसके एथिकल इशूज एक एक करके बता सकते हैं प्रोसीड विथ शॉर्टकट फॉलो एथिकल प्रोटोकॉल सीक एक्सटेंशन और सो सो इसके बाद डेटा एथिक्स और ड्रग एथिक कैसे ह्यूमैनिटी को सेव करता है वो बताना है तो जब भी आप कोई आ, रिसर्च करते तो डेटा की एक्यूरेसी या वेरासिटी राइट right, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर डेटा एक्यूरेट रहेगा तो जो रिसर्च है वो प्रोटेक्ट करेगा जो है पब्लिक को राइट right, उनके लाइफ को राइट रिलायबल रहेगा वो और पेशेंट की सेफ्टी को इन्श्योर करेगा और ट्रांसपेरेंसी इन्श्योर करेगा राइट ड्रग एथिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको पेशेंट की ऑटोनॉमी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और किसी भी तरह के अनएथिकल एथिकल प्रैक्टिस से बचना चाहिए और ड्रग डेवलपमेंट में सारे स्टैंडर्ड्स मीट करने चाहिए राइट ताकि फेयरनेस और सेफ्टी एन्श्योर की जाए कंक्लूजन में आप अगेन यू विल रीएम्फसाइज दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो मेडिकल एथिक्स के स्टैंडर्ड्स हैं उन्हें हम फॉलो करें राइट ताकि हम हार्म uh, को प्रिवेंट कर पाए एंड वेलफेयर को एंश्योर कर पाए तो अराउंड सिक्स केस स्टडी थे इट वॉज क्वाइट लेंदी इनिशियल टू बट क्वाइट डूएबल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेटेजिक रीडिंग हो केस स्टडीज की अगर बहुत लेंदी केस स्टडी तो आप सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं तो आप साइड में कहीं ना कहीं फैक्ट ऑफ केस स्टडी लिख लीजिए ताकि यू डोंट हैव टू गो बैक ऑन द केस स्टडी राइट सो आई वुड से कि पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इफ यू इवन इफ यू डू ऑन योर ओन आप एथिक्स की पढ़ाई खुद से भी करें तो भी इसको किया जा सकता है बस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम करना है एंड अगेन हमारे कोर्सेज़ तो अवेलेबल है ही बहुत ही किफ़ायती या फिर बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही कमर्शियली भी अगर हम देखें बहुत ही सस्ते भी है आ, तो उस हिसाब से अगर आप कोर्सेज भी लेते हैं वो तो चाहे क्रैश कोर्स हो या फिर पी हो या हमारा जो मेन मॉड्यूल है आ, वी हैव ट्राइड टू कवर एज़ मच एज़ पॉसिबल ये तो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि हर एक क्वेश्चन हमारे कोर्स से ही आएगा बट एटलीस्ट जो ब्रॉडर लेवल पे आपकी फ़ाउंडेशन है वो हो जाती है और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है स्पेशली थीम्स से रिलेटेड क्योंकि काफ़ी हद तक रिसर्च जाता है उसमें कि कौन से थीम्स जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट है करंट अफेयर से जोड़ के देख सकते हैं उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के से जोड़ के देख सकते हैं डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन को ये हेल्प करता है गाइड करता है सो दैट्स इट प्रॉम टुडे सेशन चलो बाय